ओके, ऐप पर क्लास स्टार्ट हो गई और YT पर भी हो गई है, यूट्यूब पर भी। ठीक है। ओके, हाय सुमन, मनोज, सादिक, रितु, बुशरा एंड एवरीवन जो भी क्लास में है। ठीक है, सभी का स्वागत है। एंड एक बार मैं यूट्यूब पर चेक कर लेती हूँ। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दोनों जगह सही चल रहा है। अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ऑडियो और वीडियो क्लियर हो तो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, हाय सुषमा, गुड इवनिंग। ओके सिमरन, राज, इंग्लिश इज इजी, मंडवी, AKP, बुशरा, सभी का वेलकम है। हाउ मच टाइम विल यू टेक क्लास मैम? बुशरा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। और लेकिन मैंने सारा करा दिया है, आप उसी को बार बार रिवाइज करें। ऐप पर आपका कल मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गया चुका है। जो अभी दो क्लास लास्ट थी तो इसमें 11th का पोएट्री मैंने करा दिया आप लोगों को, प्रोज ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, 12th वगैरह सब कंप्लीट करा दिया है। और आज मैं YT पर हूँ ही, है ना, तो यहाँ पर मैं करा ही रही हूँ। आज 11th का पहले सप्लीमेंट्री कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम किसी और पे शिफ्ट करेंगे। बट क्योंकि मेरी तबीयत आज ज़्यादा ही खराब है तो इस वजह से। चलिए फिर, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और ये तो मैं करा चुकी हूँ ऑन द फेस ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग बताएं कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। ओके, फोटोग्राफ ये सब तो हम कर चुके हैं। सिल्क वगैरह कल देखती हूँ मैं उसको, 11th का प्रोज ले लूंगी ना मैं कल आप लोगों का। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द ब्यूटीफुल। ओके, ठीक है, ये 11th का आपका सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, तो तैयारी सही चल रही है? डर तो नहीं लग रहा है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें डर लग रहा है। ठीक है, कैसे करें? तो आप लोग तो ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है? सॉरी, मैं 2 दिन क्लास आपकी YT पर नहीं ली, पर ऐप पर मैंने ले ली थी क्लास। ठीक है, ऐप पर हुई है आपकी जो, तो उसमें मैंने करा दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब जो कंप्लीट प्रैक्टिस है वो सारी की सारी आपको ऐप पर ही अवेलेबल है। यहाँ पर ये है कि थोड़ा थोड़ा मैं कराती रहती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है, तो इस तरह से मैंने डाल दिया है PDF। PDF आपका अपडेट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट PDF के आपका पूरा का पूरा, जितने भी, इसे मैं बाद में देखती हूँ, जितने भी आपके चैप्टर्स है ना, ठीक है, वो सब क्या हो चुके हैं आप लोगों के पूरे जितने MCQs है हर एक चैप्टर से, चाहे वो कोई भी हो, 12th का प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री हो, 11th का प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, राइटिंग स्किल, हर जगह से क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं जितने भी थे, वो सबका सब एक लिखा हुआ आ रहा है, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका KVS, PGT, लिट मतलब लिटरेचर, और प्लस राइटिंग स्किल तो मैंने नहीं डाला है, मतलब कि है इसके अंदर लेकिन लेंदी टाइटल ना हो इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है, KVS, PGT, लिट, कंप्लीट, है ना, कंप्लीट। ठीक है, PDF इस तरह से मिलेगा आपको। और ये लिटरेचर सेक्शन में भी डाला हुआ है, प्रैक्टिस सेक्शन में भी डाला हुआ है, मैंने सबके लिए कर दिया है PDF। तो आप एप्लीकेशन पर जाकर मतलब अपने इसमें देख लेना, चेक कर लेना, और फिर जल्दी से जब रिवाइज करो तो बार बार वीडियोज पे रिवाइज नहीं करना है। आप लोगों को कैसे रिवाइज करना है कि इस PDF के थ्रू रिवाइज करना है। ठीक है, बाकी मतलब मैंने कई बार कराई दिया, और ये वाले भी जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं ना आप लोगों को, ठीक है, तो इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने सारी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको कि क्या दिया हुआ है इसके अंदर, या फिर चलिए छोड़िए प्रैक्टिस ही करते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि एक बच्चे हैं स्पेशली, उनको क्या मिला है मैम? कल 12 नहीं, वो मैं करा चुकी हूँ, क्लास 12th वगैरह सब मैंने करा दिया। देखो, प्रेशर मत डालो, तबीयत ठीक नहीं है वाकई में, इसीलिए मैं शुरू से कराती हुई चल रही थी। मैं करा चुकी हूँ, आप उन्हें रिपीट करो, बार बार रिवाइज करो, और मैं करा रही हूँ, स्टिल भी करा रही हूँ ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ ओके साहिल, आप प्रैक्टिस बैच से हैं, एमपी टेट का क्या करें? आई डोंट नो कि आप क्या करेंगे एमपी टेट का, मुझे नहीं पता। ठीक है,
अभी तो मुझे सिर्फ केवीएस का पता है, एक सेकेंड, चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने कोर्स भी आपको बहुत जल्दी से कंप्लीट करा दिया था। ऑथर का नाम आप बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो मुझे, तो पहले आप बता दीजिएगा फिर मैं बता दूंगी कि कौन है ऑथर। चलिए इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, ये 11th का सप्लीमेंट्री कर रहे हैं हम, ठीक है, 11th क्लास का सप्लीमेंट्री। कभी आप सोचे कि पता नहीं कहाँ से गुम गए हैं, मैंने सीक्वेंस में ही कराई है सारी चीज़ें और ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वैसे जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाए थे तब भी क्वेश्चंस कराए थे चैप्टर के साथ साथ में भी, और अब दोबारा से करा रही हूँ, वैसे तो मैं करा चुकी हूँ सब कुछ। चलो, हाँ विलियम सैरियन, वेरी गुड, क्या नाम है आपका? निशा, निशा बहुत बढ़िया। एंड इधर कनिका, आप लोगों ने ए के पी आंसर कर रहे हैं, ब्लर हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, आई होप कि अभी ठीक होगा। चलो, वॉट आइडिया थीम, कोई भी जिसके अंदर आपको बताना है क्या आइडिया और थीम डज द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स एंटेल्स, बताइए। तो यहाँ पर क्या दिखाता है ये, ऑनेस्टी को, ऑनर को, ट्रस्ट को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमने इसमें पाया, अच्छा फैमिली का नाम बताइए किससे ये बिलोंग करते थे, क्या कोई मुझे बताएगा? ऐप पे ज्वाइन नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर हो रहा है तो आप अपने या तो फोन को रीस्टार्ट करें या फिर ऐप को रीइंस्टॉल करें, ठीक है, या तो फोन को रीस्टार्ट करें या ऐप को रीइंस्टॉल करें, हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को। ये कहानी किसकी है, यहाँ पर टू आर्मेनियन बॉयज हैं जिसका नाम है अरम और मुराद, ठीक है, अरम और मुराद की कहानी है, ये कजन्स हैं ये अरम और अरम एंड मुराद, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना। और ये स्पेशली पहले तो इनको मतलब वैसे गरीब हैं लेकिन फिर भी क्या है कि एट द एंड ये अपनी ऑनेस्टी ऑनर को बचाने के लिए, ठीक है, ट्रस्ट लूज ना हो, इसलिए ये क्या करते हैं, हॉर्स को वापस कर देते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वाइट मैन, क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, हु सेड दिस, किसने कहा ये, आंसर करेंगे कि किसका स्टेटमेंट है ये। हाँ, गैरोगेलियन ट्राइब, वेरी गुड सिमरन, बहुत बढ़िया, आर्मेनियन बॉयज ने, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ वेरी गुड, आपका नाम भी मैं ले लेती हूँ, क्या नाम है आपका? रितु हैं, भारती हैं, इधर भी आंसर किया है काफी बच्चों ने। मैम वॉइस स्लो है, प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम। अच्छा जी, वॉइस स्लो है, वॉइस आई थिंक ठीक है, आप लोग बताएं मुझे, सभी बच्चे बताएं ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है। हाँ मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ आज, बट ठीक है वॉइस, आप बता दीजिएगा तो मैं बता दूंगी। तो अंकल जो यहाँ पर खुशरो हैं, अंकल खुशरो स्पेशली, ठीक है, इनका भी यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है, आरम और मुराद। अच्छा ये बताइए, अंकल खुशरो जो हैं वो स्पेशली किससे उनका जो आप कह सकते हैं एटीट्यूड है वो मैच करता है, मुराद से या आरम से, जल्दी से बताएंगे, मुराद से या आरम से? एवरीथिंग इज ओके, क्लियर है मैम? अच्छा ठीक है, हाँ वो हमेशा यही कहते हैं, वेरी गुड, क्या नाम है आपका? सिमरन कौर बोल रही हैं, टू का सी, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है, वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, उनको हर चीज़ को और कोई उनकी बात नहीं सुनता तो बहुत तेज गुस्सा भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर, तो उन्होंने जो चुराया था स्पेशली मुराद ने, तो वो फिर क्यों? हाँ मुराद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, आपने सही आंसर किया है। ओके, तो जो मुराद है स्पेशली वही चुरा कर लेकर आता है, सॉरी आज मेरा एनर्जी लेवल कम है उसके लिए माफ करें, बट क्या कर सकती हूँ, मेरी तबीयत मेरे हाथ में नहीं है ना इसलिए। तो व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर, तो ऑप्शंस से देखिए, ऑप्शंस से बताइए मुझे क्या आंसर करेक्ट होगा, बिकॉज दे वर कॉन्साइंस, यानी कि उनके अंदर उनकी चेतना जो थी कॉन्साइंस थी उनकी, स्ट्रिकन मतलब स्ट्राइकर किया उसने, या फिर बिकॉज दे वर अफ्रेड, या बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हाइड द हॉर्स, और बिकॉज दे वर एक्यूज ऑफ थेफ्ट, तो बिकॉज उनकी जो कॉन्साइंस थी यानी कॉन्शियसनेस थी, तो कॉन्शियसनेस से क्या होता है उनको स्ट्राइक किया कि हाँ भाई, क्योंकि उनका जो नाम है उनकी फैमिली का नेम है, ओके, वो किसके लिए जाना जाता है, ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, तो फिर वो चीज़ स्ट्राइक की एंड फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको वापस कर देंगे। वाई डिड द हॉर्स ऑनर रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बॉयज हैड स्टॉलन हिज हॉर्स, तो जो यहाँ पर हॉर्स के ऑनर हैं, ठीक है, जिनका घोड़ा है ये, तो उन्होंने क्यों रिफ्यूज कर दिया, मतलब सोचा कि भाई नहीं, ये बॉयज ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन क्या था? बिकॉज ही डिड नॉट एग्जामाइन द हॉर्स केयरफुली, या फिर बिकॉज देयर फैमिली वॉज नॉन फॉर ऑनेस्टी, या बिकॉज ही हैड फाउंड हिज हॉर्स एल्सवेयर,
तो आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा यहाँ पर फटाफट से बताएंगे, बिकॉज उनकी जो फैमिली थी वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी। अभी जस्ट बताया कौन सी फैमिली है, कौन सी ट्राइब है, तो गर्गोलियन ट्राइब जो है वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, हु सेज इट टू होम, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, तो यहाँ पर ये जो कमिटमेंट है मतलब की कॉमेंट है वो किसका है, क्या लगता है आप लोगों को कि किसका हो सकता है? अरब ने मुराद से कहा या मुराद टू जॉन बायरो से, जॉन बायरो जो कि ऑनर थे, या फिर अरब टू जॉन बायरो, या फिर मुराद टू अरब? ओके, लेट्स सी क्या होने वाला आपका आंसर। तो बिल्कुल सही बात है ये नीति, नीति कांग्रेच कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है और लिखा भी है पूरा का पूरा मुराद टू अरब, क्योंकि मुराद हमेशा क्या है कि डोमिनेंट नेचर का है और वही गाइड करता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज उसने प्लान की हुई थी पहले ही, जबकि अरम जो था वो थोड़ा सा डरता था हर चीज को करने में। फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव द हॉर्स बिफोर अरम गॉट टू नो अबाउट इट, तो जो अरम को पता चला इस बारे में, ठीक है, हॉर्स उससे पहले कि मुराद के पास कितने टाइम तक ये रह चुका था, वन डे, वन ईयर, वन मॉन, वन मंथ, या फिर वन वीक, क्या आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर बताएं? तो वन मंथ, यानी कि वन मंथ जो है, वन मंथ बाद उनको पता चलता है कि हॉर्स के बारे में उसको पता चलता है, ठीक है, कि वो है नहीं, मतलब उसका स्पेशली कि वो इसने चोरी वोरी की है, तो वन मंथ, ठीक है। जॉन बायरो, ठीक है, लर्न टू स्पीक आर्मेनियन आउट ऑफ, तो जॉन बायरो ने जो ये आर्मेनियन सीखी थी लैंग्वेज तो किस चीज के चलते हुए सीखी थी, नेसेसिटी बहुत ज्यादा जरूरत थी, फन था, ईगरनेस थी, या फिर लॉनलीनेस, किस वजह से? हाँ, वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लॉनलीनेस, ठीक है, अकेलेपन से बचने के लिए। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली, तो बिहेवियर कैसा था हॉर्स का जब पहले वो उसको चलाने की कोशिश करते, क्या उसने सपोर्ट किया था या नहीं किया था? It wanted to be trained, या फिर it wanted to rest, या it wanted to run wild, कैसा बिहेवियर था स्पेशली शुरुआत में, हम बताएंगे। ओके, हाँ, ये वो बहुत मतलब उनके हाथ में नहीं आया था, और स्पेशली जब वो उसमें बैठने लगा, बैठा था, तो फिर वो क्या हुआ, एकदम से ये बहुत ही वाइल्ड तरीके से भागने लगा, जिससे वो गिर भी गया था। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ही ईजी होता है जब सप्लीमेंट्री हम करते हैं, सप्लीमेंट्री में कुछ खास नहीं होता है, मुश्किल पड़ती है पोएट्री सेक्शन में और प्रोज सेक्शन में। When Aram rode the horse alone, जब अरम ने horse को मतलब अकेले चलाया, it ran down the road to the dash. तो बताइए, complete कीजिए। Good evening प्रज्ञा, very good evening. All of the above कैसे आ जाएगा भारतीय? अब खुद सोचो, वो खुद ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से contrast कर रहे हैं, जितने भी ये आपके ऑप्शंस हैं वो सब क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो फिर आंसर कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता ना, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता है। अब ये थोड़ी ना कि ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो तुरंत के आंसर कर दो ऑल ऑफ द अबव, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप जानते हैं उन्होंने वाइन यार्ड में इसको छिपाया हुआ था स्पेशली, तो वाइन यार्ड यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा आपका। व्हाट डिड अंकल खुशरो डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, ये बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है, जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैं आपको बता रही थी कि अंकल जो खुशरो थे वो मतलब जब कोई उनकी बात नहीं सुनता था, मतलब बोलता रहता था, ठीक है, उनको नहीं लग रहा कि हाँ टेंशन नहीं पे करनी है, तो वो क्या करते थे उसको चुप करने के लिए, तो क्या करते थे, उनको मारते थे, वॉक करते थे, वॉकिंग मतलब अभी कहीं और चले जाते थे, या फिर शाउटिंग एट देम, तो क्या करते थे? हाँ बिल्कुल, वो बहुत तेज चिल्लाने लगते थे, ठीक है, बाय शाउटिंग एट देम, तो फिर वो उनसे शिकायत करने आए भी थे, बता रहे थे, तो बता ही नहीं पाए यहाँ पर जो बायरो हैं। मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज, तो बताइए ऑफ हिज, अभी मैंने जस्ट बोला था कि ऐसा ही लगता था मुराद के और उनके नेचर को देखकर कि दोनों सेम ही हैं बिल्कुल, तो उन्हीं के ही वो डिसेंडेंट हैं, तो कौन है, फादर, अंकल, और अंकल का नाम क्या है, अब दोबारा से रिपीट करो, अभी जस्ट नाम आया था, बताइए। मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी तक? नहीं नीरा, नेहा, ऐसा नहीं है कि अभी तक ठीक नहीं है, बीच में ठीक हो जाती है, लेकिन रेगुलर वर्क की वजह से, बहुत वर्क लोड होने की वजह से ऐसा हो जाता है कि फिर से मतलब डाउन हो चली जाती है। चिंता ना करो, कल के बाद मैं काफ़ी रेस्ट करने वाली हूँ, आपसे काफ़ी दिन बाद मुलाकात करूँगी फिर मैं, अब मैं आराम से ना 22 कल का कराने के बाद में, और फिर बहुत अच्छे से
आराम से रेस्ट करूंगी। आप लोग एग्जाम देना अपना, मैंने करा दी मेहनत सारी की सारी, फिर आप एग्जाम दे। मैं खूब सोने वाली हूँ बहुत ज्यादा। सबसे पहला टारगेट मेरा ये होगा दिन में रात में सोना, ठीक है। मैं सो नहीं पा रही हूँ तो इस वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। तो उनके अंकल जो है खुशरौफ, तो उन पर गए वो, ठीक है अंकल। अच्छा रेडबुल पी लीजिए, चलिए आप भिजवा दीजिए, रेडबुल भी पी लेंगे अगर आपको लग रहा है कि इससे पीने से ठीक हो जाऊंगी तो। हाउ डज अरम डिस्क्राइब द होर्स? जब हम नींद से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना तो उससे गड़बड़ होने लगती है, ठीक है। तो नींद भी प्रॉपर लेनी जरूरी है, और जो कि मैं ले नहीं पाती हूँ, और अभी मैं बस 22 के बाद में लेने वाली हूँ, पूरी पूरी सोने वाली हूँ मैं। हाउ डज अरम डिस्क्राइब द होर्स? तो अरम ने कैसे इसको डिस्क्राइब किया, हॉर्स को देख के उसने कैसे बोला, मैग्निफिशेंट एंड लवली ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो यहाँ पर बोथ ए और बी, यही उसका स्टेटमेंट था, ऑप्शन नंबर सी। मैम ये सब चैप्टर आपने कहाँ पर पढ़ाए हैं? प्रज्ञा मैंने सब कुछ ना एप्लीकेशन पे कराया है, मतलब एप्लीकेशन पे जब स्टार्ट हुआ था आप लोगों का, 5 दिसंबर वगैरह को आपका नोटिफिकेशन आया था ना, तो हमने 12 दिसंबर से क्या किया था, कोर्स स्टार्ट किया था, ठीक है। यानी कि पेड बैच शुरू किया था, और मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि मैं करा रही हूँ तो आप लोग आ जाना, मैंने इनवाइट किया था आप लोगों को। हो सकता है रह गया हो, नहीं पता चला हो, काफ़ी बच्चे आ भी गए, पढ़ लिए, तैयारी है उनकी प्रॉपर, और मैंने सब चीज़ करा दी थी आपको कहाँ पर, जनवरी में ही लगभग, मतलब मैंने 20 जनवरी तक आपका कंप्लीट करा दिया था ये जो कोर्स था, और इसमें हाफ प्रैक्टिस हो भी चुकी थी तब तक, मतलब प्रैक्टिस भी हाफ लगभग हो चुकी थी, फिर लेकिन तेज़ी से कराना था तो लगी हुई हूँ, और हमारी प्रैक्टिस वगैरह भी सब कुछ हो चुका है, तो मैंने एप्लीकेशन पे कराया है, यानी कि बी इनक्रेडिबल जो एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके ये हमने कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं। चलो इसमें से इतने ही है, अब एड्रेस को कर लेते हैं। द एड्रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ी सी दुख भरी कहानी भी है, वही वर्ल्ड वॉर वगैरह में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लोगों को अपना घर बार सब कुछ जमा जमाया चीजें वो छोड़नी पड़ती हैं, और फिर उस पर ऐसे समय में ऐसा लगता है किस पर ट्रस्ट करें, है ना। तो किस पर ट्रस्ट करें, वही कहानी है, क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं किसी पर या नहीं कर सकते हैं। फ्लैमिंगो करा दीजिए प्लीज, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। कट ऑफ की बात मुझसे ना करिए, ठीक है, आपको जहां जी करें वहां से, बतेरे बहुत सारे कहते हैं ना, बतेरे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप वहां उनसे बात कर सकते हैं। रोज पढ़ने की हैबिट हो गई है मेरे साथ में, हाँ मुझे भी हैबिट हो गई, लेकिन मुझे ना फिर से, मैंने वो अर्थ वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं है कि अर्थ भी रेस्ट लेती है और फिर दोबारा से, यानी कि ऑटम सीजन जो आता है, विंटर सीजन, खासकर विंटर सीजन में अर्थ भी जो होती है वो रेस्ट मोशन में होती है, फिर इसके बाद में उसका साइकिल जब और घूमता है तो फिर दोबारा से जब स्प्रिंग आती है तो अब देखिए कितना अच्छा फिर से हर चीज ग्रो होने लगती है। ऐसे ही मुझे भी थोड़ा सा नीड है एक ब्रेक लेने की, तो मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगी, ओके, क्योंकि मैं यूपी टीजीटी वगैरह ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी, बहुत जोर शोर से पढ़ा रही थी, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस बहुत तेजी से, ऐसा लग रहा था कि पूरा मैं उसमें जान डाली हुई थी, एकदम से केवीएस आ गया, फिर केवीएस पे इतनी ज्यादा वो लगाया मैंने दम कि कंप्लीट कराना ही कराना है, प्रैक्टिस करानी है, हर चीज करानी है, तो मतलब मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, और मैं लगातार लगी हुई हूँ तो इस वजह से ऐसा हुआ है। तो अभी मेरा डाउन चला गया सारी चीजें, कि मेरी बॉडी कह रही है कि बस अब नहीं और नहीं। What message does the address take? The address talk about? तो मैं भी rest, अभी rest motion में जाने वाली हूँ, ठीक है, resting motion चलेगा मेरा, इसके बाद फिर हम होली के बाद से 15 के बाद start करेंगे, होली के बाद भी नहीं, बल लगभग 15 मार्च के बाद start करेंगे फिर से कुछ भी नया course या नई classes। इतने दिन मैं आराम करूँगी, ठीक है। एड्रेस से हमें क्या मैसेज मिलता है, इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स या फिर नो टू ट्रस्ट, यानी कि किसी पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर प्रेडिकमेंट बोलेंगे इसको, ह्यूमन प्रेडिकमेंट ऑफ वॉर, यानी कि स्पेशली जो ह्यूमन्स होते हैं जो उनको झेलना पड़ता है, स्पेशली जो वॉर होता है तो उस वजह से उनको साथ में कितनी सफरिंग्स ऑर्डेल्स उनके सामने आती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में है क्या, तो किस चीज़ के बारे में स्पेशली, यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो वॉर होता है तो वो कितना ज़्यादा उसकी वजह से, क्योंकि इनका अच्छा खासा सेटलमेंट था, लड़की का नाम बता सकते हैं आप मुझे, ह्यूमन का नाम, उनका नाम भी बता सकते हैं जो राइटर हैं। फाइनल रिविजन उससे कर लूँ कल, वैसे एनसीईआरटी टेक्स अच्छा है क्या? हाँ कर लीजिए, मैंने डाल दिया है, नहीं मैं नहीं कराऊंगी डीएसएसबी, मुझे कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं है डीएसएसबी में, मुझे डीएसएसबी में है ही नहीं तो मैं कराती नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं आता उसको कराने में। हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस?
तो एड्रेस की ऑथर कौन है स्पेशली, तो यहाँ पर जो मार्गा मेनको है ये आपके कौन है, इसकी ऑथर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर्स पोजेशंस दैट द प्रोटैगनिस्ट, जो प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पर, कुड रिकॉग्नाइज, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, स्पेशली लड़की का नाम आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो मदर है, शायद लड़की का नाम मेरे ख्याल से बताया नहीं गया, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे भी शायद। ओके, अंकल खुशरोव के बारे में हमने पढ़ लिया। अंकल खुशरोव को ये ध्यान रखना, एक बच्चे ने बताया भी था, जो भी लास्ट चैप्टर किया है ना हमने, अंकल ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, जो खुशरोव है। ओके, तो ये क्या बोलते थे, हर बात पर ये ध्यान रखना, इट्स मतलब ये हमेशा बोलते थे इट्स नो हार्म, ओके, डू नॉट पे अटेंशन ऑफ दीज, डू नॉट पे अटेंशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बोलते रहते हैं, ये स्टेटमेंट को बार बार बोलते हैं, इस लाइन को, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, टू राइड हॉर्स, चलिए एक मिनट में चेक कर लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, प्रोटैगनिस्ट ही यूज़ किया गया है इनके लिए, हर मदर, क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग वगैरह है इनका नाम तो दिया गया है, बट इनके लिए यही यूज़ किया गया है, तो इसलिए इनका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर्स पोजेशन, उनकी थिंग जो थी मदर की, जो स्पेशली जो सामान था, है ना, तो उन्होंने क्या पाया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, किसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि उनकी मदर का है, तो इसमें से क्या था, यहाँ पर जो कैंडल होल्डर था, ठीक है, हनुका कैंडल होल्डर, तो इसमें क्या था स्पेशली, नहीं ये भी था वहां पर, और वूलन टेबल क्लॉथ भी था, व्हाइट टी, अच्छा पहचाना था इन्होंने, सच देखिए इन्होंने जो पहचाना था वो ग्रीन कार्डिगन पहचाना था। ग्रीन कार्डिगन कैसे पहचाना था, कि उनकी जब वो गेट खोलती है यहाँ पर, और तो फिर क्या होता है कि उसमें से क्या निकलता है, यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग होती है ना, तो उसमें से जब वो निकलती है गेट के बाहर से, तो उन्होंने ग्रीन कार्डिगन पहना हुआ था, जिसको देखकर वो पहचान लेती हैं कि उनकी मदर का है। तो पहले वो मना करती हैं, लेकिन फिर वो कहती हैं कि नहीं ये मेरी मदर का है, तो फिर इस वजह से वो पहचान पाती हैं। एंड ये सब सामान भी है जो उन्होंने देखा था, कैंडल वगैरह वहाँ होल्डर लगा हुआ था, ठीक है, वूलन टेबल क्लॉथ थे, वाइट टी पॉट, सब चीज़, चम्मच वगैरह सब इनके घर की ही थी जो वो लेकर चली गई थी, ठीक है। हाँ, मिसेज डॉर्लिंग जस्ट चेक द गेट, ओके। चलिए आगे देखते हैं, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एड्रेस, अभी बताइए जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है यहाँ पर, मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर या मिसेस डॉर्लिंग्स, बताइए ये कौन है मिसेस डॉर्लिंग। देखिए यहाँ पर जो मिसेस, ये एस एस हैं, इनकी डॉटर हैं स्पेशली, है ना, और जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उनसे क्या ले जाती है, सामान ले जाती है। करेक्शन कर, मतलब आप लोग भी चीज़ें बताते रहो, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले पढ़ाया था, मेरे भी माइंड से छोटी मोटी बातें जो हैं वो स्लिप हो जाती हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे मुझे, व्हाई डिड द ऑब्जेक्ट लूज देयर वैल्यू फॉर द ऑथर, अच्छा ये बताइए कि ऐसा था, पहले तो वो सामान लेने के लिए बहुत पॉजिटिव थी, वो वहाँ तक पहुँच जाती है उस एड्रेस तक जो उनकी मदर ने बताया था। अच्छा एक चीज़ बता सकते हैं मुझे, एड्रेस क्या था, जो एड्रेस है जो उन्हें याद रखना था, उनकी मदर ने उनको बोला था कि उनको याद रखना है, वो एड्रेस क्या था, एक तो वो एड्रेस बता सकते हैं, वैसे इसके अंदर आएगा। दूसरा आप मुझे ये बताएंगे कि वो स्पेशली यहाँ पर, कि वो ऑब्जेक्ट उनके लिए यूजलेस क्यों हो गए थे, क्या रीज़न था, बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग, या फिर बिकॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज शी वॉज, देखिए बिकॉज शी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, है ना, तो मतलब उसने क्या देखा यहाँ पर, स्पेशली उन्होंने क्या किया हुआ था, उसको ठीक जगह से ना, मतलब एक तो हर चीज़ उन्होंने यूज कर रखी थी, जो टेबल क्लॉथ था वो भी जला हुआ था, ठीक है, और क्या था कि जब वो वहाँ पर गई तो उनको एक बार फील होता है कि पहले तो उनको बहुत देख के लगा कि कितना केयरलेसली सामान रखा हुआ है, फिर वो यूज़ भी कर लिया था, तो उनको ऐसा फील होता है कि जो उनकी मदर हैं उनको मतलब ये चीज़ और देख के हर्ट करेगी, और बार बार मदर की याद भी आएगी, तो ऐसा अपने आप को दिलासा दिलाती है, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उस सामान को देख के, उनको गुस्सा आया और फिर वो वहाँ से घर से निकल जाती हैं। प्राइस फेल और प्राइस की इसमें कोई बात ही नहीं हुई है, बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू टेक अलोंग, नहीं इतना मुश्किल नहीं था, शी हैड न्यू, यही है ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे, व्हाट वॉज द सिल्वर दैट द ऑथर वॉज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर, तो ये सिल्वर क्या था स्पेशली, जो उनकी मदर ने एक बार उनको साफ करने के लिए बोला था,
हाँ ये पैराग्राफ के थ्रू ही आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मतलब मोस्ट ऑफ कैसे आने वाला है आपका कि यही जो कहानी है इसके बीच में से उठा के कुछ लाइन्स आपको दे दी जाएंगी पैराग्राफ के रूप में, और फिर आपसे पूछा जा सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ज्यादातर संभावना है कि जो पैसेज है ये आपसे पास में आएगा। ओके चलिए। नहीं मैं कभी चंडीगढ़ में नहीं गई हूँ, मैं विजिट ही नहीं किया है मैंने चंडीगढ़ कभी भी। व्हाट वाज द, हाँ तो यहाँ पर क्या है स्पेशली, तो ये कटलर जो उनका कटलरी था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए उन्होंने साफ करने के लिए बोला था जो सिल्वर इनको मतलब वो सिल्वर इसको बोलती हैं। द ऑथर रिमेम्बर्ड दैट द वूलन टेबल क्लॉथ हैड, जो वो वूलन टेबल क्लॉथ था जो बर्न हो रखा था जिसपे जलने का निशान भी था और वो डर्टी हो रखा था, तो उसके बारे में आप बताएंगे हैथ। अच्छा इसमें खुद ही ये आंसर लिखा हुआ है, तो उस पर क्या था, बर्न मार्क था है ना, तो इंक मार्क डिफेक्ट या फिर बर्न मार्क, तो उस पर जलने का निशान, मतलब उन्होंने वो फ्री में मिल गई चीजें उनको तो वो उसकी केयर नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए बर्न मार्क। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम, लिविंग रूम को जो ऑथर है वो कैसे डिस्क्राइब करती हैं, आंसर करेंगे। पीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन ये पीजीटी है, पीजीटी में ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे मतलब ये आएंगे तो यही क्वेश्चन, लेकिन वो पैराग्राफ दे देंगे और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए है ना, ऐसा पूछा जाएगा। तीन तरह के पैराग्राफ आपको लिखे हुए हैं, एक तो आपको लिटरेरी आ सकता है ठीक है, दूसरा आपको डिस्क्रिप्टिव आ सकता है और एक फैक्चुअल आ सकता है, ठीक है, एक फैक्चुअल आपसे पूछा जा सकता है, तो तीन तरह की ये ग्रामेटिकल में आप ले सकते हैं, ये पूछे जाएंगे। लिटरेरी में आपका स्पेशली ये सारा का सारा आएगा जो आपकी कोई भी कहानी उठा के दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्टिव में कोई भी चीज़ है आपको डिस्क्राइब करके दिखाई जाएगी कि हाँ वो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा किसी चीज़ का, तो वहां से आपको पहचानना होगा। फैक्चुअल में बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा वगैरह होगा, तो उस डेटा को आपको सही से आंसर पे टिक करना होगा, तो तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे। और ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैंने पैराग्राफ्स नहीं लगाए हैं, मतलब कि ये सब मैंने पढ़ा दिया है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है पैराग्राफ, लेकिन ये यही मान के चलिए। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब लिविंग रूम, तो उन्होंने कैसे उसको बताया, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, तो ए है आपका मगी स्मेल है ना, बहुत गंदी सी स्मेल उसके अंदर से सीलन की जो स्मेल थी वो आ रही थी, एंड बी है यहाँ पर स्ट्रेंज एटमोसफेयर है ना, तो उनके लिए क्या था वो, वहां पर बहुत ही स्ट्रेंज सा एटमोसफेयर था तो काफी अनकंफर्टेबल वो फील कर रही थी। ओके चलो नेक्स्ट बताइए, व्हाट वाज द प्रोटेगनिस्ट रिएक्शन व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम, कैसा रिएक्शन था जब वो लिविंग रूम में आ जाती है, और लिविंग रूम में ये भी पूछा जाए कि किसने बुलाया था, तो वहां पर मिसेस डॉर्लिंग थी वो, या फिर स्पेशली उनकी डॉटर ने, मतलब उनकी डॉटर ने अंदर एंटर करने दिया था लेकिन जो मिसेस थी तो डॉर्लिंग, तो उन्होंने एंटर नहीं करने दिया था। थ्रिल्ड है, इमोशनल है, नर्वस है या फिर हॉरिफाइड है, कैसा उन्होंने फील किया यहाँ पर, तो यहाँ पर उनको उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो हॉरिफाइड यूज किया है, ठीक है, हाँ हॉरिफाइड यूज करती हैं। हु ओपन द डोर अपॉन द ऑथर सेकेंड विजिट ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, तो उनकी जो डॉटर थी तो वो होती है, तो बहुत ही पोलाइट थी, पोलाइट इसलिए थी क्योंकि वो शायद अनजान थी इन चीजों से, और जो उनकी मदर है उन्होंने खासकर एक चोरी की थी, जो मिसेस डॉर्लिंग है इन्होंने क्या किया था, चोरी की थी, तो इन्होंने उसको अंदर ही नहीं आने दिया था। Why did the author wait for such a long time before visiting the address? तो क्यों वेट किया उन्होंने स्पेशली ऑथर जो है, बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड या फिर बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग्स, बोथ ए और बी, क्या आंसर होगा, आंसर करिए, दोनों ही आंसर हैं कि शुरू में मतलब उनको लगता भी है जब वो बहुत टाइम तक वो नहीं आती हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें वो यही सर्वाइव कर पाई थी जो कैंप वगैरह था, तो कैंप में क्या हुआ इनकी मदर वगैरह को उन्होंने लॉस कर दिया था अपनी फैमिली को, तो यहाँ पर दोनों आंसर होंगे इनके यहाँ पर कि व्हाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द, तो शुरू में उनको मतलब काफी अच्छा था सब उनके पास में, तो उन्होंने सोचा नहीं कि हाँ वहाँ जाए, लेकिन फिर उनकी अपनी मदर की बात याद आती है ना, तो फिर वो बिकॉज शी अफ्रेड टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग्स, तो वो डर रही थी, और बाद में वो डिसाइड भी करती हैं कि मैं मतलब इन सब चीज़ों को उनके इतनी केयरलेसली वो रखी हुई थी, तो फिर वो लेकर भी नहीं जाती हैं। Why was the author convinced with her mother's idea of letting Mrs. Darling take away their things? बताइए। तो उनकी मदर जो है, यहाँ पर आपको बताना है, was, आप बताएंगे आप, was the author convinced
विद हर मदर्स आइडिया ऑफ लेटिंग मिसेस डॉली, वो मतलब कन्विंस थी क्या जो मिसेस डॉली उनकी चीजों को लेकर जा रही थी, मदर का ये आइडिया था, तो बताइए क्या वो कन्विंस थे आपकी ऑथर जो थी? एब्सोल्युटली, पार्शली, नॉट एट ऑल, या फिर नॉट मेंशन इन द स्टोरी, कि स्टोरी में ये मेंशन ही नहीं किया गया है? क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो पार्शली कह सकते हैं, एब्सोल्युटली नहीं कह सकते, बट हाँ पार्शली कह सकते हैं, पर वो ट्रस्ट करना उस टाइम पर उनको धोखा दे गया, नहीं ट्रस्ट कर पाए इसलिए। ओके, यहाँ पर एड्रेस मैं बता देती हूँ आपको, अगर एड्रेस मेंशन है तो, एक सेकेंड। ओके, जो एड्रेस है ना वो ध्यान रखना, क्या एड्रेस ध्यान रखना था इनको, इनको ध्यान रखना था जो मिसेस डॉर्लिंग है ये कहाँ रहती थी, ये एड्रेस पूछा जा सकता है ना आपसे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नंबर 46, ठीक है, नंबर कौन सा है? 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट। ओके, ठीक है, यही एड्रेस है, तो ये ध्यान रखना, ये एड्रेस इनको ध्यान रखना था, एंड बाद में डिसाइड करती हैं इस एड्रेस को, कभी अपने दिमाग में रिकॉल नहीं करेंगी और भूल जाएंगी, ये एड्रेस भी ध्यान कर लेना यहाँ पर, ठीक है, याद कर लोगे ना? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, किसका एड्रेस है ये? मिसेस डॉर्लिंग का, जो कि इनका सामान जो था, पोजिशन था इनकी मदर का, वो सब कुछ लेकर चली गई थी क्योंकि इन्हें घर से जाना पड़ रहा था। ओके, चलो मदर्स डे से देख लेते हैं, मदर्स डे के बारे में देखते हैं स्पेशली क्वेश्चंस को, और कोई तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है उस चैप्टर से। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कैसा नेचर था उनका, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो आप बताएंगे उनको कैसी, वो मैटेरियलिस्टिक थी, यानी कि स्पेशली उनको किस हर उस चीज़ में, उन्होंने दूसरे की चीज़ जो थी उस पर ऑलरेडी आइडिया बना लिया कि हाँ इस तरह से ये लोग जाएंगे, मतलब इनको यहाँ जाएंगे, तो उनको थ्रेट करके कि सामान मैं रख लूँगी, तो मैटेरियलिस्टिक थी, सेल्फिश थी, ओके, और अपॉर्चुनिस्ट थी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी कि हाँ भाई स्पेशली यहाँ क्या होने वाला है, कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सामान है, ठीक है, महंगा महंगा इनके पास ब्रांडेड सामान है, तो ये क्या कर लेती हूँ मैं, रख लूँगी ऐसे टाइम पे जब इनको यहाँ से घर से जाना पड़ेगा। ओके, इन टोटल हाउ मैनी, आपसे पूछा जाए कि कितनी बार जो है इन्होंने एड्रेस मतलब विजिट किया, जो हमारी जो ऑथर हैं तो कितनी बार गई थी, तो आप कितनी बार बताएंगे, तो दो बार गई थी, पहली बार में मिसेस डॉर्लिंग मिलती है, दूसरी बार में डॉटर मिलती है। द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग, हाँ, आपसे पूछा जाए कि वार्ड के वो पहले आई थी मिलने के लिए मिसेस डॉर्लिंग से, या दोबारा मतलब कि बाद में आई थी, तो आप बताएंगे कि आफ्टर द वॉर। ओके, द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग आफ्टर वॉर। एट द एंड व्हाट डज द ऑथर डिसाइड, आपसे पूछा जाए कि एट द एंड ऑथर जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया, तो क्या डिसाइड किया था उन्होंने, टू फॉरगेट द एड्रेस, यानी कि इस एड्रेस को, जो मैंने एड्रेस बताया आपको, उसको हमेशा के लिए भूल जाएंगी। एक स्टेटमेंट है आपसे पूछा जाए, एक्चुअली ये वो क्वेश्चन हैं जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको कराए थे, तो ये वो वाले क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए। आई वॉज इन अ रूम, आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो, उन्होंने कहा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ऑथर जो थी उन्होंने ऐसा क्यों कहा जब वो रूम के अंदर बैठी थी, कि वो रूम के अंदर थी, आई वॉज इन अ रूम, आई न्यू यानी कि वो सब जानती थी, सब चीज़ों को उन्होंने देखा, वो उन सब चीज़ों को जानती ही थी, बट उन्होंने आगे क्या कहा, डिड नॉट नो, लेकिन फिर भी जानकर भी ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ें उनकी नहीं हो सकती, उनकी मदर कितनी केयर से रखती थी उनको, तो ये वो क्यों कहती है, बिकॉज शी सॉ फैमिलियर थिंग्स बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि उन्होंने जो चीज़ें देखी वो क्या थी, फैमिलियर थी, जिनसे क्या थी, वो फैमिलियर थी, यानी कि जानती थी कि उनकी मदर से ये सब क्या है, कि उनके मदर के पजेशन हैं, तो पजेशन हैं, एंड लेकिन क्या हुआ कि अनफैमिलियर सराउंडिंग थी, तो वो फैमिली जो सराउंडिंग थी जो उन्होंने देखा वहाँ अपने आसपास, तो वो उनके लिए अनफैमिलियर थी, तो ये आंसर आपका होगा। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग व्हेन शी, हाँ एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, थोड़ा फनी है लेकिन ये पूछा जा सकता है, बताना कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग व्हेन शी सॉ हर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वॉर, जब पहले वो मदर के सामने मिलने के लिए आई थी जो मिसेस डॉर्लिंग थी, तो इनको एक वर्ड में डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि सेंटेंस कह सकते हैं हम, तो इन्होंने कैसे इनकी जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, तो आप मुझे बताएंगे, अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, अ वुमेन विद अ राउंड बैक, अ वुमेन विद अ स्ट्रेट बैक, तो आप बताएंगे कि अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, ठीक है,
यानी कि जो एरिया होता है वुमेन का स्पेशली बैक एरिया, तो वो बहुत ही ब्रॉड बहुत ही वाइडेड, तो उस वे में इसको बताया गया। ये भी एक स्पेशल इसमें स्टेटमेंट दिया गया, अलग से बताया गया, तो आपको भी ध्यान रखना है। ओके चलिए, तो मदर्स डे की हम बात कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना है ये सब कुछ। हाँ, ब्रॉड बैक, अ वुमेन विद द ब्रॉड बैक, ठीक है। हाँ, डिफरेंट वे एंड डिफरेंट सराउंडिंग, वेरी गुड सिमरन। फैमिलियर बिलोंगिंग अनफैमिलियर, ठीक है, इतना तो हो गया। अब मदर्स डे पे चलते हैं। मदर्स डे किसने लिखा है? जेबी प्रिस्टले ने लिखा है ये। मदर्स डे जो है किसका है? ये जेबी प्रिस्टले, इन्होंने ये वर्क लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। यूके से हैं आपकी, इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं वैसे बता देती हूँ, ऐसा नहीं है, जो ऑथर हैं मैंने लिखवाया है। देखो अभी मैंने यहाँ पर भी तो सारा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट है कि उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये मैं बता देती हूँ कि नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट, ये सब मैंने बताया हुआ है। चलो तो इस पर चलते हैं, इस कहानी में क्या कहते हैं। इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं जिनके नाम आप ध्यान रखेंगे, तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे। एक तो इसमें है मिसेस, जो स्पेशली स्विट्जरलैंड है, है ना, मिसेस स्विट्जरलैंड है, मिसेस एनी पियर्सन है, और इनकी पूरी फैमिली का नाम, यानी कि एक तो अलग से हो गई, पड़ोसी जो है नेबर हो गई, जिनका नाम क्या है, मिसेस स्विट्जरलैंड है, एंड इनके क्या है, एक फैमिली की कहानी है, जो कि कौन सी कहानी है, पियर्सन फैमिली की है। तो पियर्सन फैमिली में जो मदर है, मतलब जो लेडी है, वो कौन है, एनी पियर्सन है, डोरिस पियर्सन और सिरिल पियर्सन और मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, जो कि उनके हस्बैंड है, जो कि उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। जो डोरिस है वो उनकी क्या है, बड़ी डॉटर है, ठीक है, बेटी है, और जो सिरिल है तो सिरिल इनका बेटा है, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं समझते हैं एनी को बिल्कुल भी, उनके काम की कोई उनको परवाह नहीं है। तो वही कहानी की किस तरह से इन्होंने आपस में इंटरचेंज किया, अपनी अपनी सोल को, अपनी आत्मा को चेंज कर लिया, और फिर कैसे इनकी फैमिली में चेंज आता है, ठीक है, ये कहानी है। अब इसमें से हम देखेंगे, बताइए व्हाट मैसेज डज द ऑथर्स ऑफ मदर्स डे, देखिए मदर्स डे ट्राई टू कन्वे, क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर, तो टू अप्रिशिएट वाइव्स मदर्स फॉर देयर वर्क, या फिर टू वर्क हार्ड फॉर योर मदर, टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, या टू रिस्पेक्ट एवरीवन। तो यहाँ पर टू अप्रिशिएट वाइव्स एंड मदर्स, या फिर वाइव्स हैं मदर्स हैं, फॉर देयर वर्क, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का भी बताया गया है बिहेवियर, और बताया गया है स्पेशली हस्बैंड का बिहेवियर भी बताया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। What does Mrs. Pearson, Mrs. Pearson पूरा नाम पूछा जाए तो Mrs. Annie Pearson, ठीक है, क्या नाम है इनका, Annie Pearson, और इनके बेटे का नाम क्या है, Cyril Pearson, और इनकी बेटी का नाम क्या है, Doris Pearson, ठीक है, ध्यान रखना ये ना ये चीज। What does Mrs. Annie Pearson suggest them to do for that night? तो family game of roomie, या फिर getting the supper ready, जो supper है उसको ready करने की बात होती है, या both A and B, बताएंगे आप। तो स्पेशली यहाँ पर दोनों के दोनों गेम जो है, ये आपका गेम भी एंड गेटिंग द सपर रेडी, है ना, तो जो सपर उनको रेडी करने के लिए बोला जाता है कि ये कर देना इनके लिए स्पेशली। नेक्स्ट है मिसेस पियर्सन फैमिली हैड बीन डैश टुवर्ड्स मिसेस पियर्सन, कैसी थी उनकी फैमिली, उनके उनकी रिस्पेक्ट करती थी, पोलाइट थी, या फिर बायस थे वो, या फिर यहाँ पर आप बताएंगे अनएप्रिशिएटिव थे, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का। ओके, तो वो अनएप्रिशिएटिव थे, यानी कि स्पेशली बायस नहीं थे कि भाई अंतर करते थे, बट वो उनको मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी उनकी मदर की। व्हाट डज जॉर्ज, मिस्टर जॉर्ज की बात चल रही है, मीन व्हेन ही सेज वी आर एट सिक्स एंड सेवंस हियर, तो जब मिस्टर जॉर्ज ने ये बात कही कि वी, देखिए उन्होंने ये कहा कि वी आर एट सिक्स एंड सेवंस हियर, तो स्पेशली आप बताएंगे कि ये क्या है चीज़ें, इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, इन अ मिडल ऑफ कन्फ्लिक्ट, या फिर इन अ मिडल ऑफ टेकिंग आर डिसीजन, या फिर इन अ स्टेट ऑफ एग्नी। तो यहाँ पर आपने ये वाला फ्रेज काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जब हम बात करते हैं सिक्सेस एंड सेवंस की, तो ओके, तो हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर की, यानी कि जब कैओस होता है स्पेशली कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में होती है, तो उसको हम इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिसेस पियर्सन वेयर सिरिल हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम एंड मनी, मिसेस पियर्सन जब अपने बेटे के बारे में बात करती हैं, तो सिरिल के बारे में जब बात करती हैं, तो आप बताएंगे कि वो कहाँ उनके अकॉर्डिंग टाइम और मनी वेस्ट करता था, रेसेस में, या फिर आइस शो में करता था, किस चीज़ में, या फिर क्लबिंग में, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का, तो आंसर यहाँ पर रेस और आइस
शोज, यानी कि जो इनमें अपना पैसा लगाता था वो. नेक्स्ट आप बताएंगे व्हाट वाज जॉर्ज रिएक्शन व्हेन ही सॉ हिज वाइफ ड्रिंकिंग स्टाउट ड्यूरिंग डे टाइम. जो वाइफ उनके सामने बोलती भी नहीं थी, ठीक है, और हमेशा उनकी बात मानती थी, आज वो क्या कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी. और स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो क्या रिएक्शन था, उनको पसंद आया नहीं पसंद आया, या फिर वो उनके साथ बैठ गए पीने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई तुम भी पी लो, तो ही इग्नोर्ड हर. तो उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया क्या, बताएंगे. ओके, क्या नाम है आपका, ऊपर चला गया. चलो सॉरी, मैं आपकी कमेंट देखना चाहती थी, काफी लंबी सी कमेंट थी, लेकिन वो काफी ऊपर चलेगी. उनको मतलब ये पसंद नहीं आया. देखो खुद वो अपना बाहर जाते थे, क्लब वगैरह में सारी चीजें करते थे, ऐसी लेडीज के साथ भी मतलब वो आराम से एंजॉय करते थे, बट आज देखिए आप उन्हें, तो उनको अपनी वाइफ का इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया. वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, हु सेड दिस एंड फॉर होम. तो ये किसका स्टेटमेंट है कि वेल वो एकदम से ही सडनली एकदम से बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, एक ही दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया. तो ये कौन किससे कह रहा है, सिरिल कह रही है अपने, यहाँ पर सिरिल कह रहा है अपने जो बहन है उससे, या फिर जो डोरिस है वो अपनी मदर को बोल रही है, या फिर सिरिल जो है फॉर हर मदर, या फिर जॉर्ज फॉर डोरिस. तो यहाँ पर जो डोरिस है उन्होंने फॉर हर मदर, अपनी मदर के लिए स्टेटमेंट दिया है ना, कि वो क्या हो गई है. वेल अपने भाई से बताती है कि वो बिल्कुल एकदम से चेंज हो गई, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड की भी एकदम से साफ साफ बता देती है कि तुम उसके साथ रहती हो तो वो है कैसा, उसके बारे में सारी बातें बता देती हैं, मतलब बोल देती हैं. व्हाट आर द चेंजेस दैट मिसेस पियर्सन रेफर टू सिरिल. तो चेंजेस उन्होंने क्या देखे यहाँ पर, मतलब उनको बोला, सिरिल को रेफर किया उन्होंने स्पेशली मिसेस पियर्सन ने, तो चेंज इन द वे शी इज ट्रीटेड बाय द फैमिली, या फिर चेंजेस इन हर डेली रूटीन, या फिर चेंजेस रिलेटेड टू हर वर्क. तो क्या किया गया स्पेशली, बताएंगे आप, आंसर करें. तो देखिए द चेंजेस का मतलब यहां पर है, चेंजेस से आप मतलब लेंगे तो क्या होगा, चेंजेस इन द वे शी इज ट्रीटेड बाय द फैमिली. जिस मतलब वो कह देती है सबसे कि हर कोई सुधर जाओ, जिस पे में तुम लोग मुझसे बात करते हो ना कि चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा है कि अब सुधरने का वक्त आ गया है, ठीक है, तो मुझे जैसे ट्रीट करते हो ना, तो थोड़ा सा उसमें चेंज करो, रेस्पेक्ट देना शुरू करो. एंड उनका जो लहजा था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था. वेयर वॉज डोरिस हेडेड फॉर द नाइट, बताएं. शी हैड, डोरिस इनकी बेटी का नाम है, शी हैड टू वर्क ओवर टाइम, या फिर शी वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस. चार्ली स्पेंस इनके बॉयफ्रेंड है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी, लेट नाइट आती थी, या फिर शी वॉज गोइंग फॉर हर फ्रेंड्स बर्थडे. कहाँ पर गई थी, आंसर करिए. तो चार्ली स्पेंस के साथ में टाइम स्पेंड करती थी, हाँ ठीक है, चार्ली का नाम भी ध्यान रखना. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट डोरिस डज एज सून एज शी एंटर्स द हाउस, आस्क हर मदर टू गिव हर टी. जब यहाँ पर स्पेशली डोरिस आती है तो उसका पहला स्टेटमेंट क्या होता है, ask her mother to give her tea, या फिर ask her mother to cook something for her, ask her mother about her day, या फिर ask her mother to iron her yellow silk, क्योंकि उसे बर्थडे पार्टी में जाना था आई थिंक, तो वो आयरन करने के लिए बोलती है, ठीक है, कि उसकी ड्रेस पर होना है, तो कहती है खुद से कर लो ना. फिर उसका बेटा कहता है चाय बना दो, तो कहती है तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है क्या, तो तुम बना लो चाय. तो ask her mother to iron her yellow silk. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ डज मिसेस फिजरलैंड, जो फिजरलैंड है ये नेबर है इनकी, है ना, इनकी फ्रेंड है, क्लब में भी वो स्पेशली वहां पर पार्टनर है, मतलब आती हैं जब हस्बैंड से मिलती थी. तो मिसेस फिजरलैंड प्लान टू हेल्प मिसेस पियर्सन, एक्चुअली वो ये भी बता देती है ना उनको कि तुम्हारी जो है क्लब में तो कोई दे की इज्जत है नहीं, है ना, हर कोई तुम पे तुम्हें मॉक करता है, तुम्हारे पीछे से तुम्हें ऐसा बोलता है ना, आगे भी बोल देते हैं ऐसे, और घर पे तुम इस तरह से रोप दिखाते हो, मुझ पर ही रोप चलता है. तो हाउ डज मिसेस स्विट्जरलैंड प्लान टू हेल्प मिसेस पियर्सन, बाय देखिए बाय टॉकिंग टू मिसेस पियर्सन फैमिली, देखिए बोलने से तो कुछ नहीं होगा, बाय लिसनिंग टू मिसेस पियर्सन एंड बाय स्वैपिंग पर्सनैलिटीज विद मिसेस पियर्सन, बताएंगे आंसर क्या होगा यहाँ पर. तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से अपनी पर्सनैलिटीज को स्वैप आउट कर लिया था, यानी कि एक दूसरे में उन्होंने कह सकते हैं कि जो उनकी सोल थी तो उन्होंने एक दूसरे को चेंज कर लिया था,
अब जो इस टाइम पर जब सब लोग घर पे फैमिली मेंबर्स वापस आते हैं तो उस टाइम वो मिसेस पियर्सन नहीं है, वो मिसेस फिजरलैंड है जो कि अब वो ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि मिसेस पियर्सन जो होती है उनको बहुत जल्दी फिर से दया आ जाती है एंड वो बहुत जल्दी आ जाती हैं कि नहीं अब मेरी फैमिली पे और ज़्यादा तुम उन्हें परेशान मत करो, टीज मत करो, ठीक है अब वो समझ में आ जाएगी। लेकिन वो किस बात पे कहती है, मिसेस फिजरलैंड उनसे वादा लेती है कि तुम आज के बाद अपनी रिस्पेक्ट जो है इस तरह से लूज नहीं करोगी। इन वॉट एंडीवियर डज मिसेस फिजरलैंड हेल्प मिसेस पियर्सन टू सी फ्यूचर, टू मेक हर फैमिली ट्रीट हर वेल, या फिर टू रन एरेंट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर वो उनसे प्रोमिस मैंने बताया ना, वो लेती हैं कि टू मेक हर फैमिली ट्रीट हर वेल, है ना, तो उनकी जो फैमिली है उनको ताकि रिस्पेक्ट दे, ओके उनको अच्छे से ट्रीट करे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो घर का काम कर रही हैं या उन्हें प्यार करती हैं तो स्पेशली वो उनकी मतलब इंसल्ट करें तो, और उनके काम को इम्पोर्टेंस ना दे इस तरह से करें कि जैसे कोई सर्वेंट हैं, तो स्पेशली वो यहाँ पर इस वे में हेल्प करती हैं, ठीक है। और सबका नाम ध्यान रखना, चार्ली का, जो चार्ली सिरिल है मतलब, और यहाँ पर चार्ली का भी नाम ध्यान रखना है आप लोगों को। मेनली करेक्टर्स पूछे जा सकते हैं इसके अंदर से, करेक्टर इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे। अब बर्थ से ले लेते हैं हम यहाँ पर, बर्थ स्पेशली पहले बताएंगे आप मुझे कि बर्थ जो है इनमें स्पेशली किसने लिखा है, क्या है, कहाँ पर, तो कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे फिर हम चलेंगे। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। ओके हाँ, बर्थ लिखा है किसने, एंड्रयू जो मेंशन है इन्होंने लिखा है, ठीक है। एंड्रयू पूरा नाम इनका क्या है, मैनसन, ठीक है, मैनसन जो इनका नाम है ये पूरा का पूरा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, सिटाडेल से ली गई है ये, मतलब थोड़ा सा जो पार्ट है वो लिया गया है। प्रेशर एंडरसन केस और चाइल्ड डिलीवरी, ओके ये वाली कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पेशली जो चाइल्ड डिलीवरी होती है ना, तो उसको क्रिटिकल केस जो है उन्होंने कैसे हैंडल किया था, तो वो वाली कहानी है ये, ओके। ही फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन वेल एज अ डॉक्टर, वेरी गुड राज, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड्रयू वॉज अ डॉक्टर, बर्थ बाय एंड्रयू मेंशन ही है, एंड अभी मैं चेक कर लेती हूँ इसमें, देखो एक मिनट, एंड्रयू मेंशन रिसेंटली आउट फ्रॉम, ओके तो इन्होंने ये अपना ही वो लिखा है ना शायद, मेडिकल फ्रेशर हैंडल्स अ केस ऑफ चाइल्ड डिलीवरी ऑल्सो इन अ सीक्रेटिव वे, गेट्स बैक लिविंग, बाकी और मैं चेक कर लूँगी इसमें, बट इसमें ऊपर ये लिखा हुआ है कि बर्थ बाय एंड्रयू मेंशन, यानी कि उन्होंने अपना ही खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है, ठीक है, ओके। चलिए, लेखक गलत बता दिए, मैंने गलत नहीं बताया है, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है इसके लेखक आपके अलग हों, लेकिन बट ये जो कहानी है स्पेशली ये नरेट जो की गई नरेशन है, ठीक है, आपको नरेट किया गया है चीज़ें, तो एंड्रयू मेंशन जो है उनका ही नरेशन है ये, ओके। हाँ, सिटाडेल जो मेडिकल बुक से लिया गया है, ओके ठीक है, चलो चलिए तो फिर स्टार्ट करें, ओके। कोई नहीं, जहाँ पर पॉइंट अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो उसको चेक कर लेंगे आप, और कल हम उसको इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, अभी जस्ट मैं चेक नहीं करना चाह रही हूँ। व्हाट कैन यू से अबाउट डॉक्टर एंड्रयू आफ्टर रीडिंग बर्थ, ओके ही डिड नॉट पुट ऑल हिज एफर्ट, या फिर ही फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन वेल अ डॉक्टर, तो यहाँ पर स्पेशली आपका यही तो है, ही फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन वेल अ एज अ डॉक्टर, है ना, तो उसको अपनी ऑब्लिगेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेशन। वाई इज द लेसन नेम बर्थ, लेसन लेसन जो है इसका नेम बर्थ क्यों है बताएंगे, आंसर करिए, जो चैप्टर है उसका नेम बर्थ क्यों है, बिकॉज अ डॉक्टर इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड बर्थ, या फिर बिकॉज अ लॉट ऑफ चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, या फिर बिकॉज इट इज अबाउट बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तो जो ये केस है वो किसके बारे में, एक चाइल्ड बर्थ के बारे में है ना, एक क्रिटिकल केस है, तो जो कि बच्चा क्या होता है जब उसको वो बॉर्न होता है, जन्म होता है, तो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मतलब डेड हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जिंदा कर देते हैं इसको, तो इनको मतलब इस चीज का एक्सपीरियंस था। ड्यूरिंग द होल इंसिडेंट जो डिड नॉट एंटर द हाउस, वाई, जब ये पूरा इंसिडेंट होता है तो जो है
वो एंटर नहीं करता हाउस के अंदर. जो कौन है आप बताएंगे कि जोए कौन है स्पेशली, तो क्यों नहीं आता? बिकॉज ही वॉज सुपरस्टिशियस, या फिर बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब, या फिर बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू सी द चाइल्ड, बिकॉज ही वॉज एंक्शियस, बहुत चिंतित था वो. तो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस था, बहुत वरीड था, इस वजह से. बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, हु इज हर? तो ये कौन है जो बोल रहे हैं कि बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, तो आप बताएंगे क्या, हु इज हर, कौन है ये? ये सुजैन है या फिर मिडवाइफ है? किसके बारे में ये बात कही गई है? मिसेस मॉर्गन्स मदर. तो कौन है ये? तो यहाँ पर किसकी तबीयत देखिए, जो स्पेशली मिसेस मॉर्गन है उनकी जो मदर है ना, तो बट हर हैंड्स वर टुगेदर एंड हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, मिसेस मॉर्गन मदर, तो इन्हीं के बारे में बोला गया ये. मतलब ये बोल रही है किसके बारे में स्पेशली, एक मिनट रुकिए, हु इज हर, ये पूछा जा रहा है ना आपसे, बट हर हैंड्स, उनके बारे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है, मिसेस मॉर्गन की मक्की जो मदर है उनके बारे में ही है. How long did it take for Andrew's efforts to yield result? तो बताइए कितना टाइम उनको लगा यहाँ पर. 15 minutes, all efforts went into vain, या फिर 1 hour, या फिर especially half an hour. तो आधा घंटा. What did Andrew remember in the middle of ongoing treatment? तो Andrew को बीच में ही क्या क्या याद आया जब वो treatment दे रहे थे? About his love for Christine, Christine से जो उनका झगड़ा हुआ था, उनका प्यार था, तो उस चीज़ के बारे में, या फिर मॉर्गन की जो फैमिली थी, लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड, उनको बहुत दिन से मतलब बच्चा नहीं हुआ था तो उनको बच्चा चाहिए था, या फिर हिज टाइम इन सैमरिटन, या फिर अबाउट हिज ऑब्लिगेशन एज अ डॉक्टर, क्या उनको याद आता है? ओके, तो याद करते हैं कि भाई अगर बच्चा नहीं मिला तो क्या हालत होगी उनकी, तो स्पेशली मॉर्गन्स फैमिली इज लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट बताएंगे. ओके, नेक्स्ट बताइए, हाउ डिड एंड्रयू ट्राई टू सेव द स्टिल बॉर्न? कैसे उन्होंने बचाया, ठीक है, जो कि बच्चा स्टिल था, यानी कि डेथ लाइक उनको लगा कि डेथ हो गई है, तो उसको कैसे सेव किया? यूजिंग अ स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, कॉलिंग डॉक्टर एडवर्ड, या फिर टेकिंग हिम टू हॉस्पिटल, या गिविंग हिम ब्लड, क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने यहाँ पर जो उसका सर्कुलेशन बंद हो गया था, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन को यूज करते हुए उन्होंने उसको, उन्होंने क्या किया था, एक जो मेड थी, जो मिड वाइफ थी, उसको क्या बोला था कि एक बकेट लेकर आओ जिसमें क्या हो, एक में गर्म पानी हो और एक में क्या हो, ठंडा पानी हो, है ना, तो एक में चिल्ड पानी उन्होंने बोला था लाने के लिए, और एक में यहाँ पर वार्म वाटर लाने के लिए बोला था. फिर उन्होंने क्या किया था, उसको उठा के कभी इसमें डाल रहे थे, कभी इसमें डाल रहे थे, और बाकी सब लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर पागल हो गया है, कि ये कर क्या रहे हैं, है ना. तो उन्होंने इस तरह से उन्होंने उसे क्या किया, एकदम बच्चे को सांस आ जाती है ना, जो उसके नेजल में कूड़ा वगैरह मतलब जो फंसा हुआ था वो निकल जाता है, एंड वो यहाँ पर उस बच्चे की जान को बचा लेते हैं. वॉट ऑल थिंग्स डिड एंड्रयू यूज इन द ट्रीटमेंट? अच्छा, ये तो यहाँ जस्ट ही आ गया क्वेश्चन. हॉट एंड कोल्ड वाटर, वाटर उन्होंने यूज किया, या फिर बेसिन एंड टॉवल्स, या फिर आप ब्लैंकेट, या ऑल ऑफ द अबव, तो उनको सब चीज की नीड थी. तो यहाँ पर स्पेशली आप ध्यान रखेंगे बेसिन एंड टॉवल्स एंड ब्लैंकेट, हॉट एंड कोल्ड वाटर. तो उन्होंने पास दो, उनके पास में क्या थे, मतलब कि जो बकेट थी उसमें कभी वो ठंडे पानी में डाल रहे थे, कभी गर्म पानी के अंदर डाल रहे थे. प्लीज रिपीट इट. आपको अंदाजा हो जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है. मॉक टेस्ट देने के लिए बहुत सारी वो चीजें पड़ी हैं, वहां पर आप दे सकते हैं. ओके, मैं तो डेली ये क्वेश्चन कराती हुई, हमारे यहाँ इतने क्वेश्चन होते हैं, ये समझ लीजिए अभी मैं कराऊंगी लगभग मैं 100 से ऊपर क्वेश्चन कराती हूँ. ओके, और साथ में सर कराते हैं, अभी सर आएंगे 7 बजे, तो 7 बजे वो कराएंगे, तो वो भी कम से कम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं विद पैराग्राफ कराते हैं, तो डेली ही हो रहा है. अब आप नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है ना. एप्लीकेशन वगैरह पे मैं डेली क्लास लेती हूँ, और आपकी ग्रामर की भी होती है, तो हमारा तो डेली चलता है, लाइव ही होता है. ओके, What did Andrew conclude from the whiteness of the child? क्या conclusion निकाला उन्होंने उनके और जो child है उसकी whiteness को देखकर? That he was dead, या फिर that he suffered from lack of oxygen, या फिर that he should be taken to hospital, या फिर that Andrew could not save him. तो उनको तो ऐसा नहीं लगा था कि वो death हो चुकी है, उनको मतलब एकदम उसको देख के आया कि ये जो white पड़ा हुआ है ना बच्चा, white जो रखा है, किस reason की वजह से
कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, उसकी नाक में जो नेजल में प्रॉब्लम थी मतलब कि कुछ अटका हुआ था उसकी वजह से, सो दैट ही सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन. इन द डिलेमा ही फेस्ड, व्हाट डिड एंड्रयू डू, उनको डिलेमा था कि वो मदर को बचाएं, ठीक है, सुजैन को बचाएं या उनके बच्चे को बचाएं, इस दुविधा में थे, इस डिलेमा में थे. तो आप बताएंगे स्पेशली क्या मतलब उन्होंने फेस किया था, चेक अपॉन सुजैन फर्स्ट या फिर चेक अपॉन द चाइल्ड फर्स्ट, रैन अवे, मतलब उनको क्या लगा कि पहले किसको बचाना चाहिए, किसको उन्होंने चेक किया यहाँ पर. तो उन्होंने यहाँ पर जो मदर है उसको प्रेफरेंस दी थी, चेक अपॉन सुजैन फर्स्ट, है ना, तो उसको प्रेफरेंस दी, पहले उसको ट्रीट किया, जब वो उन्हें लगा कि ये रिलैक्स्ड है फिर उन्होंने बच्चे को देखा. हाउ वॉज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड कैसा था, हेल्दी था, लाइफलेस था, अंडरवेट था या फिर एनेमिक था. तो कैसा था, यहाँ पर आंसर होगा आपका लाइफलेस, है ना. तो ऐसे ही सबने डिक्लेयर कर दिया था कि लाइफलेस है, सबको लगा कि हाँ. तो फिर क्या है, बाद में जब बाद में वो पहले मदर को देखा, फिर बाद में बच्चे को जब एग्जामिन किया तो पता चला कि उसको मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इस वजह से हो रहा है ऐसा. डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, व्हाई डिड एंड्रयू से दिस. तो यहाँ पर जो एंड्रयू है उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया कि डोंट फ्रेट मदर, ओके, आई विल नॉट रन अवे, टू रीअश्योर मिसेज मॉर्गन्स मदर, जो मिस्टर मतलब जो मिस्टर मॉर्गन थे स्पेशली, और जो स्पेशली मिसेस मॉर्गन है उनकी मदर को, या फिर टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाने के लिए, टू ब्रेक हिज साइलेंस, टू हैंडल अ क्रिटिकल सिचुएशन वेल. तो स्पेशली उन्होंने क्या किया, जो मॉर्गन की मदर है क्योंकि वो काफ़ी पजल हो रही थी, मतलब बहुत एंशियस हो रखी थी, तो उनको एश्योर करने के लिए, शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला. ओके दैट्स इट, बाकी इसके अंदर कुछ एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. जो का हाउस है ये तो ध्यान रखेंगे आप. ओके आधा घंटा लगा, ये हमने पढ़ी लिया, इसमें अनकॉन्शियस था. आपसे पूछा जाए ये केस कैसा था, तो केस बताएंगे आप कि केस ओ, तो ये कैसा था, आप डिसीज का नाम लिख लीजिए, ऐसा भी आ सकता है ना लिखा हुआ आप लोगों को इस तरह से, ठीक है, एस्पेक्शिया, तो एस्पेक्शिया बोलेंगे इसको, ड्यू टू ऑफ, इसको ये हुआ था, केस ऑफ एस्पेक्शिया था ड्यू टू ऑफ. आपसे पूछा जाए क्लैरिफाई करने के लिए कि एस्पेक्शिया क्या होता है, तो आप बताएंगे यहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन. ओके ऐसे लिखना, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है आप लोगों से. और इसमें क्या हो जाता है, हाँ, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, है ना. तो पूरा कैसे क्लैरिफाई करेंगे, और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज्यादा हो जाती है. ओके ठीक है, चलो लास्ट करते हैं इसका, द टेल ऑफ मेलन सिटी. टाइम है हमारे पास में, थोड़ा कुछ और भी पढ़ा दूंगी मैं आप लोगों को. तो द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें सब लोग मूर्ख तो नहीं है, खासकर यहाँ पर जो राजा है और उनका चेला है वो यहाँ पर महामूर्ख है. खरबूजा हमारा राजा, बिल्कुल सही बात है. ओके चलिए ठीक है, ये किसने लिखी है, विक्रम सेठ हैं उन्होंने लिखी है ये कहानी, ये स्टोरी विक्रम. और ये इनके ऐसा नहीं है कि स्पेशली विक्रम, ए कर लीजिए विक्रम, आर एम, तो विक्रम सेठ ने ये लिखा है, लेकिन इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट लिया गया है. ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी की पूरी कहानी जो है मतलब उनकी उठाई गई, उनके वहां से कुछ इंसिडेंट्स ये उठा लिए गए हैं. चले What is the genre? बताइए what is the genre of the Tale of the Melon City? Thriller है, humorous है, ironical है, कैसी है ये? तो यहाँ पर option number D है, जिसमें option number B और C सही है. काफ़ी मजाकिया दिखाया गया है, ऐसा कहाँ होता है जो इसके अंदर दिखाया गया है, and काफ़ी ironical है. ठीक है, irony इसलिए है यहाँ पर कि irony आपको देखने को मिलती है ना इसके अंदर. क्या होता है कि यहाँ पर जो राजा है, okay, तो वो स्पेशली दिन को उन्होंने क्या कर लिया है, रात को, दिन को
मतलब जो रात दिन है उन्होंने इंटरचेंज कर लिए हैं, जो काम दिन में वो करते थे वो सारे काम रात को करेंगे, और जो रात में उनका सोने का काम था वो क्या करेंगे अब वो दिन में करेंगे, ऐसा वहां पर सब चीज आपको देखने को मिल रही थी। एंड इसमें आप देखेंगे कि उन्हीं की मूर्खता की वजह से, आयरनी आपको देखने को मिलती है, उन्हीं की मूर्खता की वजह से क्या होता है, वो खुद ही जो ज्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहे थे तो वो खुद ही वहां पर आ जाते हैं एंड अपने आप को ही मतलब मरवा लेते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, करवा दीजिए, मैंने सब कुछ करा दिया। देखिए सिमरन, अगर आपको इतना ही ज्यादा सबको है ना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 299 रुपीस का है, ठीक है कोर्स, ओके। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस चलाई थी ना कि मैं सब कुछ करा दूं, मैंने सब कराया है लेकिन वो एप्लीकेशन पे कराया है, ठीक है, एप्लीकेशन पे करा दिया है, आज ही कंप्लीट हो गया सब चीज, मतलब मैंने सब करा दिया, ये यहाँ पर भी बिल्कुल आज ये लास्ट चैप्टर है। तो आपको अगर इतना ही मतलब लग रहा है कि ये करा दो वो करा दो, तो आप चाहिए परचेज कर लीजिए और जितना मन करे उतना पढ़ लीजिए, पूरी रात बैठे रहिए पढ़ने के लिए, कोई इशू नहीं है, ओके। चलो, वॉट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द क्राउड ऑफ द स्टेट, देवर ऑफ नो गुड, या फिर देवर सपोर्टिव ऑफ देयर किंग, या फिर देवर इनडिफरेंट हु वॉज थ्रोन्ड, या बोथ ए एंड सी, क्या आंसर होगा? तो देवर, देखिए ऑफ नो गुड मतलब स्पेशली आप यहाँ देखेंगे कि किसी भी काम की नहीं थी, बस चीजें चल रही थी, ये हो रहा था कि हम दुनिया से अलग करेंगे, है ना, और महामूर्खता इसके अंदर चल रही थी, इस सिटी के अंदर। नहीं कॉमेडी नहीं है ये, कॉमेडी जॉनर नहीं है यहाँ पे स्पेशली, वो कॉमेडी की एंडिंग तो बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। मैम राइटिंग स्किल पर भी क्वेश्चंस ले लेना, मैंने करा दिए सब, करा दिए हर चीज़ कराई, बहुत बार इनविटेशन है, सब चीज़ें हैं, हर एक उस पर कराया है हर चीज़, और स्पेशली राइटिंग स्किल भी पढ़ा दी हैं सारी के सारी। और अभी क्या है कि मैं देखती हूँ कल तक मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं कल सिर्फ राइटिंग स्किल ही पढ़ा दूंगी, बाकी नहीं कराने की हूँ। चलो इसे देख लेते हैं पहले, देवर ऑफ नो गुड किसी काम के थे तो थे ही नहीं वो, एंड देवर इनडिफरेंट हु वॉज थ्रोन, है ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था कि जो राजा बने वो कौन है, बस इस बात से उनको कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता था। आपने देखा था ना उन्होंने किस किस को यहाँ पर राजा अपना चुन लिया था, ठीक है, देवर ऑफ नो गुड। आफ्टर रीडिंग, ये दो तीन कहानियां हैं, थोड़ा सा मिक्सअप मत हो जाना इस तरह से। आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ द मेलन सिटी, मेलन मतलब कि यहाँ पर जो मेलन है उसको ही बाद में जब गेट के अंदर से मतलब निकाला जाता है, तो स्पेशली मतलब किसको निकाला जाता है, जो बैगर होता है ना, तो मतलब दिमाग से थोड़ा सा वो भी पैदल सा था, तो यहाँ पर खरबूजा मतलब उसको उसका काम था, वो मेलन मेलन बोलता था, तो इस वजह से मेलन को मतलब उसको गुजारा गया उस गेट में से जो आर्क था वहां से, एंड वहां पर क्या हुआ कि उसने बोला कि मेलन, तो मेलन को ही बुला दिया गया, फिर मतलब राजा बना दिया गया। आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ द मेलन सिटी, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, किंग के बारे में बताइए, ही वॉज अ जस्ट किंग, या फिर ही वॉज अ रूल अबाइडिंग किंग, या फिर ही वॉज अ फुलिश किंग, ही वॉज अ वाइज किंग, कैसा किंग था? तो यहाँ पर ही वॉज अ फुलिश किंग, फूल था। What is most important to the public of the state? Their peace, यानी कि क्या था यहाँ पर public of the state के लिए क्या important था? Their peace or and liberty, how the state is ruled, या फिर their wealth, या फिर their involvement in state decision. तो यहाँ पर answer होगा आपका their peace and liberty is a correct answer. Next है why did the idiot reply the way he did? Idiot जो था उसी को choose किया गया था ना कि उसको निकाला जाएगा स्पेशली वहां से, तो व्हाई डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड, बिकॉज ही लाइक्ड मेलन्स, या फिर ही रोड हॉर्सेस, या फिर बिकॉज ही न्यू हाउ टू यूज सॉल्ट, या फिर बिकॉज ही ग्रू मेलन्स। तो क्या था कि उसको मेलन्स बहुत पसंद थे, वो हमेशा मेलन मेलन बोलता रहता था इसी वजह से। हु पास द सिटी गेट, तो सिटी गेट जो आर्क उन्होंने बनाया था राजा का, तो जो क्राउन था वो क्या हो गया था, उसमें अटक के गिर गया था, तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई थी। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन, एन ओल्ड वाइज मैन, एन इडियट, अ बेगर, या फिर चाइल्ड। तो जो इडियट था वो वहां से पास होता है, ठीक है, ओके, वो डिसीजन देता है। फिर फाइनली हु वाज टॉल इनफ टू रीच द नूज, तो इतना कौन टॉल था मतलब जो नूज तक पहुंच पा रहा था, जो नूज है स्पेशली वहां तक पहुंच पा रहा था। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, अच्छा बताएं जरा नूज क्या होता है, नूज क्या होता है, फांसी का फंदा तो नहीं है,
ऐसा तो नहीं है कि फांसी का फंदा वगैरह कुछ, तो न्यूज का आप मुझे मतलब बताएंगे। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, द आर्किटेक्ट, समवन फ्रॉम द क्राउड, द किंग। ऐसा होता है ना, बात घूम फिर के कहाँ पर आ जाती है कि सब लोग निर्दोष पाए जाते हैं कि भैया ऑर्डर किसने दिया था, तो किंग ने दिया था, है ना, बात ऐसे चलती है ना, किसने ये बनाया, फिर ये प्लान किसने दिया, तो ये सब होते होते बात वहीं पर वापस आ जाती है। तो बताएंगे हाँ, फांसी का फंदा कि जिसके लिए भी ये फिट बैठेगा, जो इतना पहुंच जाएगा वहां तक। तो हमारे राजा तक क्या थे, टॉल थे स्पेशली, तो वहां तक कौन पहुंच जाते हैं, तो किंग जो होते हैं वही परफेक्ट साइज के होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको ही मार दिया जाता है। व्हाट वाज द पब्लिक डिमांड दैट द किंग किंग सॉट टू फुलफिल। पब्लिक की डिमांड बताइए जो किंग को लगा कि हाँ फुलफिल करनी चाहिए। दे वांटेड टू नो वन टू बी हैंग्ड, एंड दे वांटेड अ हैंगिंग, या फिर दे वांटेड द आर्क टू बी डिमोलिश्ड, या फिर द दे वांटेड अ न्यू किंग। तो देखिए, दे वांटेड अ हैंगिंग क्योंकि ऐसा डिक्लेयर हो चुका था ना कि हैंग किया जाएगा, है ना, तो अब कोई किसी ना किसी को तो फांसी भी फंदे पर लटकाना ही था, वरना राजा की बात जो है वो बात कायदे की नहीं रहती स्पेशली। तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि किसी ना किसी को तो क्या होना है, लटकाना ही है यहाँ पर। Why was it shameful to hang the ark? बताएं, because it was innocent, या फिर because it was non-living, या फिर because it was newly built। मतलब कि कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि जो ये स्पेशली आर्क है, यानी कि जो जहाँ पर उनका सिर लगा था उसी को ही फांसी पर लटका दिया जाए, तो क्यों नहीं ऐसा हो पाता है पॉसिबल, तो उसको हम क्यों नहीं लटका सकते थे, क्योंकि वो क्या था, बिकॉज इट हैड टच्ड द किंग्स हेड। ओके, व्हाई वाज इट शेमफुल टू हैंग द आर्क, तो क्योंकि इसने क्या किया था, बिकॉज इट हैड टच्ड द किंग्स हेड, तो इन्होंने किंग के हेड को मतलब टच कर लिया था, इस मतलब टच्ड कर किया था इस वजह से। हेड को क्या, उनका जो क्राउन था उसको, मतलब लंबे थे हमारे राजा जो थे, किंग लंबे थे, इस वजह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, Listening about his own hanging, who did the king call for? Listening about his own hanging, who did the king call for? है ना, उनकी अपनी हैंगिंग के बारे में जब उन्होंने सुना, तो वो किसको बुलाते हैं किंग, तो यहाँ पर किंग किसको बुलाते हैं, ये तो आंसर ही लिखा हुआ, द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, है ना, जो कंट्री में सबसे वाइजेस्ट मैन होगा उसको बुलाते हैं। फिर बुलाने के बाद क्या निर्णय निकलता है, What reason did the workman give to the king? क्या जो स्पेशली यहाँ पर जो वर्कमैन थे कि उनको फांसी पे क्यों ना लटकाया जाए, उनको हैंग ना किया जाए, तो उन्होंने क्या रीजन दिया कि उनकी गलती नहीं है, तो इंस्ट्रक्शंस गिवन वर रॉन्ग, या फिर टाइम प्रोवाइडेड वर वॉज लेस, या फिर ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज, जो ब्रिक्स थी वो ही रॉन्ग साइज की थी, तो जो उन्होंने बोला कि हमारी गलती नहीं है, ईंट बनाने वाले की गलती है, जो ब्रिक्स थी वही गलत साइज की थी, इसलिए वो क्या, वो छोटी थी मतलब, तो इसलिए ऊंचा नहीं बन पाया। नेक्स्ट, आपने आंसर वो लिख, कभी कभी ना एनिमेशन नहीं लगता है तो इसलिए आंसर पता चल जाता है। ओके, व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट, क्या ऑर्डर दिया किंग ने जब ये इंसिडेंट होता है, स्पेशली उनका मुकुट वगैरह गिर जाता है तो क्या होता है, मतलब सिर उनका टकरा जाता है। ही ऑर्डर्ड वर्कमैन टू बी हैंग्ड, या ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स, या फिर ही ऑर्डर टू समवन द आर्किटेक्ट, या फिर जो वहाँ पर लोग इकट्ठे थे, ही ऑर्डर टू गैदर ऑल द पीपल। ये सब ध्यान रखना किस किस पे शिफ्ट हुआ था, पहले वर्कमैन पे गया, एंड फिर यहाँ पर जो बिल्डर्स थे, है ना, उन पर, एंड फिर आर्किटेक्ट पे बात आ जाती है। अब आर्किटेक्ट कहता है कि भाई मैंने तो आपको बताया था ऐसे ऐसे होना, आपने ही बोला था, है ना, पास किया था, तो ऑर्डर फिर वो बात किस पे आ जाती है, किंग पे ही वापस आ जाती है। तो ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स, है ना, तो अभी क्या है कि इस इंसिडेंट के बाद में जब रॉन्ग साइंस की साइज की मतलब पूरा दिया जाएगा आपको यहाँ पर, तो इसके बाद क्या होता है कि फिर वो बिल्डर्स जो है उनको हैंग करने की बात करते हैं, फिर इसके बाद आर्किटेक्ट को हैंग करने की बात होती है। चलिए, अच्छा ओके, खत्म हो गया, चलिए मैं देख लेती हूँ इसमें कुछ और हो आपका। ओके, ठीक है, ये तो हमने कर लिया ना कि इसको आर्क को क्यों नहीं कर सकते थे हम पनिश, क्योंकि उसने मतलब किंग के हेड को टच कर लिया था, तो किसी भी
भाई किसी ने किंग के हेड को टच किया है तो उसको मारना तो बहुत ही शर्म की बात हो गई। ये हो गया। ओके किंग एग्रीड। ठीक है, बाद में मेलन को किंग चुन लिया जाता है क्योंकि वो पास होता है, तो जो बोलेगा उसको फिर किंग बना दिया जाएगा, है ना। तो मेलन को बना दिया जाता है। इडियट पास होता है, हु वांटेड अ मेलन टू बी देयर किंग, है ना। जो इडियट है वो चाहता था कि मेलन जो हो वो किंग बन जाए, तो इसलिए वो यहाँ पर फिनिश हो जाती हैं ये सारी चीज़ें आपकी। बाकी इसके अंदर तो और कुछ नहीं है। ये सप्लीमेंट्री आपका बहुत छोटा सा था, ये मैंने करा दिया आप लोगों को। अभी दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, वहाँ से मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास आधा घंटा है, तो मैं थोड़ा सा और करा देती हूँ। ठीक है। करवा दें मैम राइटिंग स्किल। ओके कल तक मैं, हाँ मैंने दवाई ले रही हूँ, कल तक मेरी तबीयत हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो स्पेशली मैं करा दूंगी, है ना। ओके थोड़ा सा मैं और करा देती हूँ, अभी टाइम है, 7 बजे सर क्लास लेंगे, थोड़ा सा और करा देती हूँ, परेशान मत हो। चलो यहाँ से ले लेते हैं, एग्जिट करके लेते हैं। तो क्वेश्चंस इतने सारे हैं आपके, कहाँ से शुरुआत करूँ, शुरू से कर लें। चलो देखते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है। ओके एनिमेशन मेरे को जरा, मैं हटा दूँ इसको, मार्को चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर से पढ़ाती हूँ थोड़ा सा और रिवाइज कर लो। ठीक है, यहाँ से करते हैं, बताना मुझे फटाफट से, चलेंगे बताते हुए चलना। नोट मेकिंग तो आपको उसमें मिलेगा ना, मतलब कि नोट मेकिंग जो जो थियरी है आप लोगों की वो सारी की सारी मेन कोर्स में है भाई, तो थियरी तो वहां पर मिलेगी ना आप लोगों को, सारी की सारी चीजें उसके अंदर है। चलो फटाफट से करें इसको, सिलेबस मैंने देखिए सारा करा दिया है, हर चीज कराई है, कुछ भी नहीं छोड़ा, एक पॉइंट भी आप मेरे ऊपर के पॉइंट आउट नहीं कर सकते उंगली कि मैडम ने ये चीज छोड़ दी। ठीक है, मैंने हर चीज कराई है और सर से भी पैराग्राफ लगातार 30 दिन से लगातार चल रहे हैं। ठीक है, लगातार वो करा रहे हैं। सर की क्लास अगर आपने नहीं ली है ग्रामर, क्योंकि इस एग्जाम को भी पास करने के लिए आपको ग्रामर पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो ग्रामर उन्होंने सारा का सारा कराया, 30 दिन से लगातार वो क्लासेस ले रहे हैं, KBS TGT PGT, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है उनको एग्जाम्स का, TGT लेवल के PGT लेवल के एग्जाम्स का। तो पैराग्राफ कराते हैं, पैसेज वो कराते हैं आपको। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैम हमने पैसेज नहीं करवाए हैं, लगातार हम पैसेज वगैरह करा रहे हैं, तो हर चीज़ कराई गई है, बस अंतर इतना है कि आपने पता नहीं कितना पढ़ा होगा या नहीं। चलो बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। बताएंगे कि क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट होता है स्पेशली, उसका टाइप नहीं है इसमें। तो ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड तो होता है, मिसिंग पर्सन या फिर पेट हम लिखवा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। एकोमोडेशन वांटेड, जगह चाहिए आपको तो हाँ। लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, तो लॉस्ट एंड फाउंड कोई चीज मिली हुई है ना, मिली हुई का तो नहीं लिखेंगे ना इसके अंदर, एडवर्टीजमेंट होगा लॉस्ट का हो सकता है एक बार को, बट लॉस्ट एंड फाउंड जो होता है स्पेशली ये आपका नोटिस का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, ये नोटिस का पार्ट है। चलो जल्दी से बताना आप। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, या मैंने पहले भी बताया होगा आप लोगों को। तो टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो सिचुएशन वैकेंट होता है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ये सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड ये पूछे जा सकते हैं कि सिचुएशन वांटेड मींस फॉर सेल, टू लेट, एकोमोडेशन वांटेड, ठीक है, मैट्रिमोनल्स और मिसिंग्स, ये क्या क्या होते हैं इनमें ध्यान रखना। सिचुएशन वैकेंट, अगर मेरे यहाँ कोई सिचुएशन वैकेंट है
तो मैं कोई वैकेंसी निकालूंगी, स्पेशली मुझे कोई पर्सन चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लगाऊंगी कि दिस एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ अ पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं और स्पेशली ऑनर भी हो सकते हैं जो कि किसी पर्सन की तलाश में है कि उनके काम कर सके। एंड सिचुएशन वॉन्टेड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, दिस इज रिटन बाय अ जॉब सीकर, तो स्पेशली जो जॉब सीकिंग कर रहा है जॉब से रिलेटेड, यानी कि उसको जॉब चाहिए, तो वो स्पेशली यहाँ पर कभी कभी वो भी अपना एडवर्टीजमेंट छोटे से में दे सकता है कि मैं ये हूँ और मुझे मिल जाए तो बेटर है। फॉर सेल, कोई भी चीज़ आपको क्या करनी है, बेचनी है अपनी, तो उसके लिए चाहे आपके ऑफिस के गुड हो सकते हैं, असेट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है। लेट होता है हमेशा आप रेंट पर करते हैं, जब रेंट पर किराए पर आप दे देते हैं, जगह को देना चाहते हैं, अपनी शॉप हो सकती है, कुछ भी चीज़, तो टू लेट में आएगा। अकोमोडेशन वांटेड के अंदर क्या आएगा, अकोमोडेशन जब किसी को जगह खुद को चाहिए रहने के लिए, पीजी वगैरह चाहिए या वैसे भी किराए के लिए जगह चाहिए, तो वो अकोमोडेशन वांटेड के अंदर आएगा। रिटन बाय वंस लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर अकोमोडेशन, ठीक है। मैट्रिमोनल्स क्या होते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, शादी वादी के लिए। एंड मिसिंग, मिसिंग मतलब कि दिस इज अ रिटन इन केस एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई पेट भी हो सकता है, गोज मिसिंग गिविंग डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स फॉर द सेम, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि ये इसके अंदर होता है या नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। TGT की मैराथन लेने का रीज़न ये था कि कोर्स लेंदी था, ठीक है। TGT की जो मैराथन मैंने ली थी तो कोर्स बहुत लेंदी था, ओके, तो मुझे उसे कराना था, मैं उसका रिवीजन नहीं करा पाई थी, तो इसलिए मैंने वो मैराथन 2 बजे तक ली थी। अब आप क्या चाह रहे हो, मैं मैराथन 2 बजे तक लूँ, मतलब आप क्या चाह रहे हो। TGT PGT के लिए कितना चार्ज करना होगा, चेक कर लिया करो खुद ही, मुझसे क्या पूछते हो, ऐप पर सब कुछ है, सारी डिटेल्स हैं, इतने महंगे कोर्स हैं नहीं, मेरे से सस्ते कोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो सारी चीज़ें हैं, खुद से चेक कर लो। मुझसे क्या प्रमोशन मांगते हो हमेशा कि मैं प्रमोशन करती रहूँ। गुड इवनिंग मैम, आई हैव बीन writing for your class, the waiting for your class, but I have got late. कोई बात नहीं, yes मैम, ले लो मैराथन, चलो कल देखते हैं, कल मैं देखती हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब उसके पे कल तक मैं ठीक हो जाऊँगी तब मैं देखती हूँ। वैसे ये मैराथन से कम नहीं होता, दो घंटे की क्लास लेती हूँ मैं। अभी ये बात अलग है, तुम लोग 2 घंटे हटते नहीं हो, तुम्हें लगता है 2 घंटे का टाइम ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद अभी 20 मिनट ही हमने पढ़ा होगा। अब तुम लोगों को इतने यूज टू हो गए हो, ठीक है, कि आपको लगता है कि 2 घंटे मतलब कुछ नहीं है। 5 बजे से लगातार मैं आपको क्लास लेती हूँ, ओके, 7, 7:30 बज जाते हैं, कल तो 7:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, हमें 7:45 बज गए थे, ठीक है, तब तक मैंने क्लास ली थी आप लोगों की, लेकिन आप लोगों का क्या है, पेट भरता ही नहीं है। वॉट इज़ बाय लाइन इन आर्टिकल राइटिंग, तो ये राइटर का जो नेम होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं। तो बाय लाइन मैंने आपको बताया था, पहले हेडिंग आती है आर्टिकल में एंड उसके बाद आप लिखते हैं बाय लाइन। बाय लाइन मत लिख देना, बाय लाइन का मतलब होता है जो आर्टिकल लिखने वाला है, ठीक है, उसका नेम, उसको हम बोलते हैं बाय लाइन। चलो नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ नोटिस राइटर्स एड्रेस नहीं आता है इसके अंदर, एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है। चलो, इफ अ नोटिस इज रिटन फॉर स्कूल पर्पस, वेयर इज इट पुट अप, अगर हम नोटिस लिखेंगे स्कूल पर्पस से तो आप कहाँ इसको लिखेंगे, कल ले लो डिटेल मैराथन। चलो एक काम करती हूँ ना, मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ, ठीक है, कैसा रहेगा, अभी आधा घंटा है, सर की क्लास डिले करें क्या करें, ये पढ़ा देती हूँ ना मैं आप लोगों को, आपको राइटिंग स्किल में बहुत इशू रहता है, नोटिस पढ़ा देती हूँ, ठीक है, नोटिस राइटिंग पढ़ लेते हैं एंड आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी, मतलब कि मैं आपको पढ़ा देती हूँ नोट मेकिंग, क्योंकि सारी चीज़ आपको नोटिस से करा दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है, इनविटेशन से भी करा चुकी हूँ, आपके आर्टिकल से भी हो चुके हैं, स्पीच राइटिंग वगैरह ये सब भी मैंने करा है कई बार, और क्या है आप लोगों का और भी है, लेटर वगैरह ये सब मैंने करा दिया है, तो एक बार नोट मेकिंग को चेक कर लेते हैं, आधे घंटे में नोट मेकिंग हो जाएगा, ठीक है, नोट मेकिंग करा देती हूँ। अभी ना जाओ छोड़कर, प्रिया बोल रही है कि मैम अभी छोड़ के ना जाओ, अरे मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, सब चीज़ मैंने पढ़ा दी है, इतने टेंशन में क्यों आ रहे हो आप लोग, पढ़ाई नहीं होती तो बात होती कुछ, मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आपको यह है कि मैडम साथ बनी रहे मेरे हमारे, है ना, ओके, मिनिमाइज, कहाँ है आपका नोट मेकिंग,
सिलेबस है 11th का पीडीएफ फर्स्ट प्रायोरिटी राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल यहाँ पर है, ये वाला पढ़ लिया ना आपने, ये किस किस ने कर लिया जरा मुझे बताओ जल्दी से। ये मैंने सब बताया था ना आपको, ये बहुत लंबा पीडीएफ है, और इसमें क्या क्या है आपका दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो मुझे बताना, मेरा पेन कहाँ है अभी? इधर है। देखो मैंने आपको ये एक तो पीडीएफ ये वाला प्रोवाइड कराया है, जिसमें क्या है कि ऊपर एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है, नोटिस राइटिंग, ये सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। तो मुझे सच सच बताओ किस किसने सारा कंप्लीट कर लिया? तो मैंने खुद ही कंप्लीट कराया था आपको, नोटिस के क्वेश्चंस थे है ना, तो ये सारे हमने किए थे। एंड इनविटेशन राइटिंग, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, ये पढ़ लिया अच्छे से? जल्दी बताओ मुझे किस किसने 2-3 बार पढ़ लिया है? हाँ, राइटिंग स्किल से भी पैराग्राफ तो लिखा हुआ हुआ है, साफ साफ लिख रखा है उन्होंने। राइटिंग स्किल नोट मेकिंग से आ सकता है पैराग्राफ, क्यों नहीं आ सकता है? इस तरह से पूछा जा सकता है, सैंपल दिए हुए हैं तो यहाँ पर फिलअप करने के लिए पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस जो हैं सारे लगा लिए हैं, इनकी डिटेल पढ़ ली है आप लोगों ने या नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी होंगी तो तुम्हें एग्जाम में ही पनिशमेंट मिल जाएगा अपने आप ही। देखो ऐसे भी आ सकता है कि ऐसे दे दिया आप लोगों को कि एक यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब दे रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट हाउस एट सिटी राइट, ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत तो, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। देखो यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट हाउस एट सिटी लाइट रोड टू बी यूज्ड एज ऑफिस, देखिए ऑफिसर कम रेजिडेंस, अ मीडियम साइज्ड, पता लग रहा है ना कि किस तरह का है, मीडियम साइज, प्रेफरेबल द कॉर्नर वन, फुल्ली फर्निश्ड एंड रेडी टू मूव इन। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या है, ये फॉर परचेज, यहाँ पर स्पेशली आप क्या लिख रहे हैं, रीजनेबल प्राइस, इंटरेस्टेड मेक, कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो क्या करे, मेक कॉन्टेक्ट करण कुमार। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज दिस, तो ये क्या है, क्या कोई सिचुएशन वॉन्टेड, सिचुएशन चाह रहा है, यहाँ पर वैकेंसी चाहिए किसी को? नहीं भाई। टू लेट, यानी कि आपको क्या करना है, ये किराए पर देनी है आपको? नहीं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फोर सेल लगा रही है, फिर फोर परचेजिंग, यानी कि कोई खरीद ले इसको, फॉर परचेजिंग, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ऐसे ही मैट्रिमोनल भी आ सकता है लिखा हुआ, अगर पेपर टफ रहा तो, अगर पेपर इजी सा हुआ तो फिर सैल्यूटेशन वगैरह ऐसा पूछा जाता है, लेकिन अगर पेपर टफ रहा तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये है, यू आर वेरी मच क्वालिफाइड, आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड हो एंड एक्सपीरियंस्ड हो इन द आर्ट ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन वेस्टर्न कल्चर। ओके, एंड आर ओवर एंशियस टू टीच दिस आर्ट टू द गर्ल स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि गर्ल स्टूडेंट को आप मतलब पढ़ाना चाहती हैं। एंड यू विल ड्राफ्ट इन एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ लोकल डेली बिगनिंग विथ, ठीक है, तो ये क्या करेंगे आप फिर इसको, क्या है ये, आप सिचुएशन चाहते हैं, कुछ वॉन्टेड है, या फिर सेल एंड परचेज का काम हो रहा है यहाँ पर, सेल और परचेज तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, एकोमोडेशन वॉन्टेड है? नहीं, तो ये क्या है, सिचुएशन वॉन्टेड है, यानी कि अब आपको वैकेंसी चाहिए, आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, ओके एक्सपीरियंस्ड हैं, आप पढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप सिचुएशन वॉन्ट चाहते हैं ना, ये क्या हो गया, सिचुएशन वॉन्टेड, नॉट विजिबल मैम, हाँ ये इसलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि ये पीडीएफ इस तरह से है ना, तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, मैं और बड़ा कर देती हूँ, शायद अब दिखाई दे, देखना आप दिखाई दे रहा है क्या, आप देखो आप दिखाई दे रहा है? दो एक बार करो करो, हाँ ये पढ़ के जाना अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, तो ये से हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे सिचुएशन वांटेड, ठीक है, मैं करवा दे, मैंने कराया हुआ है सब चीज, इसलिए तो मैं इतना टेंशन फ्री हूँ कि मैंने हर चीज कराई हुई है भाई, हर चीज पढ़ दे दी है आप लोगों को, ये थोड़ा लेवल हाई है, अगर लेवल हाई में पूछा गया तो। वाइल्ड ड्राफ्टिंग टू लेट एडवर्टीजमेंट वन मस्ट फोकस ऑन, कि जब आप टू लेट जो एडवर्टीजमेंट है ये ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तो स्पेशली आप ये बताएंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या चीज आप इंसर्ट करेंगे, तो क्लासीफाई द टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे, टू लेट यानी कि किराए पर आपको कोई चीज देनी है तो आप लिखेंगे ना कि बिजली का बिल वगैरह होगा तो क्या होगा, वो आपको ही पे करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं या वैसा करना पड़ सकता है, कुछ भी चीजें हैं आप वहां पर मेंशन करेंगे। राइट डाउन द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, प्राइस रेंज एंड प्रेजेंट कंडीशन, है ना, कि किस कंडीशन में है, क्या चीजें हैं, लोकेशन बताएंगे एंड अदर फैसिलिटीज इफ एनी, अगर कोई अदर फैसिलिटीज भी आपने वहां पर दे रखी है उसमें तो वो भी आप बताएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोगों के। अब जैसे ये दिया हुआ है, यू हैव लॉस्ट अ लाइब्रेरी बुक, है ना, तो आपकी क्या हो गई है, लाइब्रेरी बुक हो गई है इशूड इन योर नेम, है ना, जो कि क्या थी,
आपके नाम पर निकाली गई थी, ऐसे होता है लाइब्रेरी के अंदर. यू वॉन्ट टू राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट गिविंग, यानी कि आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं उस बुक के लिए. गिविंग द एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द बस यू, ये तब के क्वेश्चन है अगर आपका पेपर बहुत टफ आता है तो. अगर पेपर इजी मतलब नॉर्मल रहा, ऐसे जैसे भी पूछा गया LDC में इस तरह का रहा ना इजी सा, तो उसमें तो बहुत छोटी सी चीजें पूछी गई हैं. लेकिन अगर लेवल हाई हुआ तो फिर भाई तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को. तो अभी ये क्या है यहाँ पर, अगर आपकी कोई चीज मिस हो गई है फिर आप निकलो तो आपको क्या क्या होगा. बुक मिस है तो राइट द नेम. देखिए यहाँ पर आंसर हम सारा नहीं पढ़ रहे, इसको देख लेते हैं. राइट डाउन द टाइप ऑफ क्लासिफाइड सच एज लॉस्ट और फाउंड बिफोर गिविंग डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देने से पहले लॉस्ट और फाउंड का जो है टाइटल वो डालना पड़ेगा यहाँ पर. क्लासिफाइड सच एज लॉस्ट और फाउंड, यानी कि या तो खोई हुई है या पाई हुई है. तो आपको यहाँ फाउंड तो हो नहीं सकता, तो लॉस्ट का डालेगा, है ना. फाउंड का तो आप नहीं डाल सकेंगे ना, फाउंड मिल गई तो मिल गई चीज, उसका थोड़ी एडवर्टीजमेंट निकालेंगे. तो यहाँ पर तो स्पेशली लॉस्ट या फिर फाउंड बिफोर गिविंग डिस्क्रिप्शन, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर. एक बार हम चेक कर लें इसको. व्हाट विल यू राइट इन योर एडवर्टीजमेंट इन द बिगनिंग, पूछा ये जा रहा है कि सबसे शुरुआत में आप क्या लिखेंगे बिगनिंग के अंदर, है ना. तो ये राइट द नेम ऑफ प्लेसमेंट टाइम एंड डेट, कि बाद में लिखेंगे पहले लिखेंगे कि जो बुक है आपकी वो खो गई है. ओके एंड बहुत बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं इसके अंदर, आपको फिलिंग करने के लिए भी आ सकता है. एंड ये लेटर राइटिंग है आपका, लेटर राइटिंग से क्वेश्चंस तो मैंने बहुत सारे कराए हैं आपको, फॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर, ये तो बहुत सारी चीज़ें कराई हैं भाई. पढ़ लो, तुम लोग खुद पर खुद नहीं पढ़ सकते हो, है ना. मुझसे उम्मीद करते हो कि मैम एक तो फ्री में पढ़ा दो, ठीक है, जैसे कि मतलब मैंने कोई भंडारा वगैरह लगा रखा है, एक तो फ्री में पढ़ा दो मैम, अब लास्ट दिन में पढ़ा दो. जैसे कि देखिए पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर, तो अगर पूछा जाए डेट फोटो ग्रीटिंग सिग्नेचर कौन सा पार्ट नहीं है लेटर का, तो लेटर में भाई फोटो का क्या मतलब है, फोटो का तो कोई मतलब नहीं है. डेट होती है, आप ग्रीटिंग करते हैं हेलो डियर वगैरह ये सब लिखते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं तो ये होते हैं, तो फोटो नहीं होता है स्पेशली. अब आपको ध्यान रखना है कोई भी लेटर हो मस्ट हैव 7 पार्ट, उसके अंदर 7 पार्ट्स होते हैं. द राइटर एड्रेस, एक तो राइटर का एड्रेस होता है और डेट होती है, ठीक है. कोर्टियस ग्रीटिंग, कोर्टियस मतलब कि बहुत ही हम्बल तरीके से आप क्या करते हैं अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, सैल्यूटेशन देते हैं. द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर एंड कोर्टियस लीव टेकिंग, है ना. तो बहुत ही आपको हमेशा कोर्टियस रहना है, बहुत ही हम्बल पोलाइट रहना है हमेशा. लीव टेकिंग एंड द सिग्नेचर एंड द इंफॉर्मेशन ऑन द एनवलप, तो सिग्नेचर होंगे आपके यहाँ पर एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द एनवलप, ये जो क्या कहते हैं सिग्नेचर और इन्फॉर्मेशन होगी एनवलप के ऊपर. देखिए द राइटर्स एड्रेस इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, तो आप बताएंगे राइटर का जो एड्रेस होता है वो, ये पूछा जा रहा है कि उसे प्लेस किया जाता है, लिखा जाता है कहाँ पर, लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पर, हाँ या ना, लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता. कोई भी एड्रेस हो कुछ भी हो वो हमेशा लेफ्ट पर ही लिखा जाएगा. जैसे मेरा तो ये राइट हैंड है, बट अगर मैं ऐसे आपकी तरह हो जाती हूँ तो फिर ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया. तो लेफ्ट हैंड हम यहाँ पर हमेशा इस तरह से करते हैं. हमें सैल्यूटेशन देना हो तो वो यहाँ पर आएगा, हमें ग्रीटिंग करनी है तो वो यहाँ पर आएगा, हमारे सिग्नेचर होते हैं तो वो भी यहाँ पर ही आएंगे, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है हर चीज़ लेफ्ट कॉर्नर में होती है. तो हाँ बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है. द स्टेटमेंट इज ट्रू, द राइटर्स एड्रेस इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज एंड डेट शुड बी प्लेस्ड जस्ट बिलो इट. और ये भी ध्यान रखना है तुरंत ही इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो डेट होगी वो लिखेंगे, ठीक है. एड्रेस लिखने के बाद राइटर का एड्रेस लिखेंगे और फिर तुरंत ही आपको डेट भी लिखनी होगी. दिस सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज. तो सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन मतलब कि जैसे आप बोलते हैं ना डियर सर हैं मैडम हैं, या फिर अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो वो आप लिख रहे होंगे अपने फादर को, हो सकता है मदर हो, रिलेटिव हो, कोई बेस्टी हो, कोई फ्रेंड हो, उनको आप लेटर लिख रहे हैं, है ना. तो सैल्यूटेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो वो भी लेफ्ट हैंड में होता है ऑफ द फर्स्ट पेज. तो येस और नो, तो येस ये भी लेफ्ट हैंड में होता है. द स्टेटमेंट इज ट्रू, द सैल्यूटेशन इज प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम. और ऐसा भी हो सकता है जैसे ये है ऐसे लिखा हुआ आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी चीज पहले आ जाएगी, राइट सीक्वेंस लिखिए. तो राइट सीक्वेंस आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तभी राइट सीक्वेंस बता पाएंगे. तो इन अ फॉर्मल लेटर, जैसे मुझे उम्मीद है कि इतना टफ तो पेपर नहीं आने वाला है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, जिसने राइटिंग स्कूल ढंग से नहीं पढ़ी हुई है उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना. तो बताइए इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीवर, क्योंकि
सेंडर एड्रेस भी लिखा जाएगा, रिसीवर एड्रेस भी लिखा जाएगा, इंक्लूड्स। तो रिसीवर एड्रेस में क्या आप इंक्लूड करते हैं? सर मैडम, मतलब सैल्यूट यहाँ पर पूछा जा रहा है, सैल्यूट सर मैडम लिखेंगे आप, डेट लिखेंगे, रिसीवर्स नेम लिखेंगे या फिर सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। तो रिसीवर एड्रेस में क्या लिखने वाले हैं आप? तो रिसीवर का आपको नेम तो मेंशन करना पड़ेगा ना, तभी तो फिर उनका एड्रेस मेंशन करेंगे। ये सैल्यूटेशन होता है, जैसे सर मैडम वगैरह आप बोल रहे हैं ना, तो उनको आप सैल्यूट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आपने पढ़ लिया है ना, ये क्या नाम है आपका, कांति, जिसने भी पढ़ लिया है ओके। हाँ मैं करा दूंगी कल, मैं राइटिंग स्किल पर ले, कल मैं लिटरेचर नहीं पढ़ाने की हूँ, एक काम कर लेती हूँ, कल मैं आप लोगों को ये जो हमारा राइटिंग स्किल है ना, इस पर बैक चले एक बार को, कंटेंट स्टोर, मैं यहाँ से सारा ही पढ़ा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। मैं क्या ही करूँगी, मतलब आपको हर चीज़ जो है मैं दे ही दूंगी। राइटिंग स्किल के नोट्स देख लेते हैं, लगभग हमारे पास बहुत लंबा ये नोट्स हैं, ये नोट मेकिंग है आपका, है ना, ये नोट मेकिंग मैंने आप लोगों को कराया था, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। कि नोट मेकिंग, पहले नोट मेकिंग करेंगे आप, कोई भी आपको एक कथा कहानी कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ दे दी जाएगी, एंड फिर आप उसको नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, हमेशा जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको नोट्स ऐसे नहीं बनाने की पूरी बुक छाप देनी होती है, नहीं, वो आपको बहुत ही इन शॉर्ट बनाने होते हैं, बहुत ही मिनिमाइज करके चीज़ों को। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रॉफी का भरपूर यूज़ किया जाता है ना, शॉर्ट वर्ड्स लिखे जाते हैं, ये चीज़ एब्रीवेशंस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर एब्रीवेशंस का या नहीं कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यस बिल्कुल, एब्रीवेशन के बिना तो नोट मेकिंग होने ही वाला नहीं है। एंड फिर समराइजिंग, क्या जैसे कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने मेलन सिटी पढ़ा, ये सब चीज़ें चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये जैसे डिस्कवरी, जो डिस्कवरिंग टूट है, तो उसको आपने पढ़ा, तो आपने क्या कि पूरा का पूरा चैप्टर दिया, दे दिया आप लोगों को। अब उसके अंदर से आपको क्या करना है, हम नोट्स बनाने हैं, तो वो तो हो गया नोट मेकिंग, यानी कि छोटा छोटा उसको बनाना है। एंड समराइजिंग क्या करना है, नोट मेकिंग की हेल्प से जो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स नोट आउट किए हैं, ओके, मेंशन किए हैं जो पॉइंट्स हैं, मेजर हेडिंग्स, तो उनसे आपको समरी निकालनी है। जैसे कि समरी हम कैसे पढ़ते हैं, जब हम शॉर्ट में, आपने देखा नहीं अभी किसी भी उस पर जाएंगे साइट पे कि उसकी समरी निकल आती है, मैकबेथ की समरी बताओ, हैमलेट की समरी बताओ, तो वो समरी जो होती है उसमें समराइज कर दिया जाता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ये चीज़ होती है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसकी जो ज़रूरत होती है वो क्यों होती है, ओके, आई हैव नॉट रीड, हाँ, कीवर्ड्स होते हैं, एब्रीवेशंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं इसके अंदर, है ना। एक मिनट रुकना, मैं ज़रा चेक करूँ फिर मैं बताती हूँ, एक चीज़ चेक कर लूँ मैं ज़रा, ओके, चलिए देखो यहाँ पर क्या है कि इट कीप्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट आर डिस्पोजल फॉर रेडी रेफरेंस। रेडी रेफरेंस यानी कि जैसे क्या है कि मुझे कोई कहानी बतानी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने अभी जस्ट क्या किया हुआ था, अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था, उस पर क्या थे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जैसे आपके चैप्टर्स थे, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे उस पर नोट डाउन थे, ताकि उससे मुझे क्या मिली, कोई चीज़ मैं भूल जाऊँ, फैक्ट भूल जाऊँ, तो उससे क्या हो जाए कि मुझे एकदम से याद आ जाए चीज़ें, मतलब मेरा जो फ्लो है वो ना टूटे। तो इसलिए हम अपने नोट्स बनाते हैं, और ख़ासकर ये हमें हेल्प करते हैं रिकॉल करने में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, तो उनको रिकॉल करने में हमें हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर रेडी रेफरेंस के लिए हम अपने नोट्स को बनाते हैं, है ना। अब आप पूरी की पूरी बुक थोड़ी, जैसे लूशेंट की बुक हो चाहे कोई भी बुक है, पूरी की पूरी बुक थोड़ी लेके बैठोगे, आपके खुद के नोट्स आप क्यों बनाते हो, हैंडमेड नोट्स क्यों बने होते हैं, क्योंकि वो आपके काम आ रहे होंगे, जिसने बनाए होंगे और जिसको तरीका पता होगा नोट्स बनाने का, उसके अब बहुत काम आ रहे होंगे, है ना, कीवर्ड्स वगैरह लिखे हुए होंगे, तो अब बड़े अब इस टाइम एग्जाम टाइम में काम आते हैं। तो आपसे पूछे ये भी दिया हो सकता है कि भाई क्यों आप, जरूरत क्यों है नोट मेकिंग की। इट हेल्प्स अस रिकंस्ट्रक्ट, देखिए रिकंस्ट्रक्ट करते हैं व्हाट वाज सेड और रिटन एंड दस एक्सेलरेट। ये शायद ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके। ये क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं किस चीज में, रिकंस्ट्रक्ट करने में, व्हाट वाज सेड और रिटन एंड दस नॉट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग एंड रिकॉल, है ना। तो मतलब क्या है कि हमें सोचना ना पड़े उसके लिए, हमें हर चीज़ के हमारे सामने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हम उन पॉइंट्स से ही अपनी जो समरी है उसको रेडी कर लेंगे और बात को पूरा कंप्लीटली दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, खुद भी रिकॉल कर सकते हैं। इट कम्स इन हैंडी इन डिलीवरिंग अ स्पीच, खासकर जब हमें स्पीच देनी होती है, ठीक है, तो हम अपने हाथ में खुद छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो रखते हैं। पार्टिसिपेशंस इन अ डिबेट, खासकर जब डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हर पॉइंट आपको एकदम से याद आ जाएगा, तो इन सब चीज़ों में बड़ा हेल्पफुल होता है
राइटिंग एन एसे, आपको ऐसे लिखना है बहुत बड़ा, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि पूरा का पूरा 8 पेजेस का जो ऐसे है वो याद करके जाएंगे, ये तो बेवकूफ़ी होगी। आपको क्या करना है, आपने वो एक बार पढ़ लिया चीज़ के बारे में, उसके बारे में आपको कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स वगैरह नोट आपके पास होने चाहिए, उन्हीं से ही आप पूरा बड़ा ऐसे लिख डालेंगे। मेन हेडिंग्स आपके पास हैं, उसी से ही आप 8 पेज का 9 पेज 10 पेज का ऐसे ईजिली लिख देंगे। एंड रिवाइजिंग लेसन्स बिफोर एंड एग्जामिनेशंस, ठीक है। और जब जैसे आपका एग्जामिनेशन है, अब वो यहाँ पर वो बच्चे कितने मजे से, आप देखो उनको कितना इंटरेस्ट आ रहा हो, मतलब उनको क्या है कि सब समझ आ रहा होगा, वो पैनिक नहीं होंगे, और उनके पास क्या है कि उन्होंने पहले अच्छे से पढ़ा, उन्होंने मतलब चैप्टर्स पढ़े अच्छे से, खुद भी समरी वगैरह भी पढ़ी, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें से छोटे छोटे नोट्स बना रखे अपने, की वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं, मेन मेन हेडिंग्स लिखी हुई है। तो जो एग्जामिनेशन आप लोगों का आया है तो वो लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, वो इजीली क्या है यहाँ पर इस एग्जाम को बीट कर ले जाएंगे। और उनको अब जब उनको पढ़ना है ना, उनके नोट्स जो होंगे वो 1-2 घंटे के अंदर ही, ठीक है, वो आराम से उनको फटाफट से देख के निकल जाएंगे, और एग्जाम से पहले भी वो नोट्स को ही पढ़ रहे होंगे फटाफट से। तो ये एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं, आपके खुद के बने हुए जो नोट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स देखें इसके कि गुड नोट्स, अच्छे नोट्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट होते हैं, है ना। मीन्स शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट यानी कि गुड नोट्स मस्ट बी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। तो जो हमारे नोट्स होते हैं यानी कि वो हमें कैसे लिखने हैं, कॉम्पैक्ट यानी कि स्पेशली हमें उनको क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, हमें उसको बहुत ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा सेंटेंस उसके अंदर लिख देना है, आपको फ्रेजेस भी पूरे पूरे यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना इनविटेशन में फ्रेज लिखे जाते हैं, तो फ्रेज की भी नीड नहीं होती है आपको यहाँ पर, एब्रीवेशंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना होता है, उसको बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाना होता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिलेगी उससे, लेकिन कैसे मिलेगी, इन शॉर्ट मिलेगी। दे मस्ट कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक भी कीवर्ड एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आपके जो नोट्स होते हैं वो इस हालत ऐसे बनाए जाने चाहिए कि वो कोई भी, वो कैसे बनेंगे, आपको कोई वो पूरे के पूरे जो कहानी कथा है वो थोड़ी लिखनी है, ताकि आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रहें और कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी छूटे ना। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर क्या हमें जो नोट मेकिंग होती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती है, तो हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली करा सकती है, क्यों नहीं करा सकती है, डेफिनेटली। लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल भी आपसे लॉजिकल होनी चाहिए चीज, ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, दे मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल वे, तो आप उनको लॉजिकल वे में ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, हर चीज को। ऐसा नहीं है कि बस आपने बनाने बैठ के किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपकी ना नोट मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि उन नोट्स की हेल्प से आप क्या कर सके कि कोई और पर्सन भी जो है ना, जैसे आपके टीचर एग्जामिनर चेक करेंगे, है ना, तो आपको तो करना नहीं है, लेकिन 12th क्लास में चेक होता है, 11th क्लास में चेकिंग होती है, तो वो भी अंडरस्टैंड कर पाए इजिली, उससे लिंक बिठा पाए। ऐसा नहीं है कि आपके नोट सिर्फ आपको ही समझ आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी हेल्प से दूसरे लोग भी उनको मदद मिल जाए। इसलिए जब एब्रीवेशन आप लिखोगे तो वहाँ पर जो भी एब्रीवेशन यूज किए हैं वो साइड में एक कॉर्नर बनेगा, एक बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि इस एब्रीवेशन का मतलब क्या है, ताकि जो एग्जामिनर है वो इजिली अंडरस्टैंड कर सके। अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल व्हेन कंसल्टेड एट अ लेटर स्टेज, यानी कि लेटर स्टेज यानी कि बिल्कुल जैसे अभी है, अभी लेटर स्टेज तो है आपकी, अभी आपको ऐसा नहीं है कि नोट्स बना बना के बैठ गए, आपको खुद का ही समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये नोट्स हैं हमारे स्पेशली क्या वो हमारे काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो नोट्स कम से कम एटलीस्ट आपके काम तो मतलब आपको समझ में आने चाहिए बिल्कुल एट द एंड, यानी कि लेटर स्टेज में फटाफट से आप इजिली, ये ना कि समझते रहो कि अरे मैंने ये पॉइंट लिखा तो था, अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, ये कहाँ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं यहाँ पर। मैम लेटर राइटिंग के न्यू फॉर्मेट्स क्लियर करवा दो इफ एनी चेंजेस आर देयर। ओके, नहीं मैंने सब करा दिया है आप लोगों को, ठीक है, मैंने हर चीज आपको कराई है भाई, देखो और बोरे पूरे दिल से कराई है, कहते हैं ना कि हर चीज मैंने ऐसे कराई है आप लोगों को कि जी जान लगा के एग्जाम में पढ़ाया है। ऐसे थोड़ी ये बच्चे इतने सारे जो है मेरे पास आए हैं और वो सेटिस्फाइड है। अभी भी आप कॉमेंट बॉक्स चल रहा है ना, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हो, जो कोर्सेज में हैं, जो मेन कोर्स में हैं, आप उन बच्चों से पूछ सकते हो कि भाई मैंने कैसा पढ़ाया है। मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, वो बोलेंगे, और कल जब एग्ज़ाम होगा ना, परसों आपका 23 को, तो डेफिनेटली तब भी वही बच्चे बोलेंगे यहाँ पर कि जैसे कि TGT में बोला, मैंने नहीं बोला,
ना ही मैंने कोई प्रमोशन ऐसे कोई मशहूर मचाया, कुछ नहीं, बच्चे बोले ऐसे ही। जो मेरा पढ़ाया हुआ है ना पीजीटी का भी, यहाँ पर आप ही लोग बोलोगे, आप ही लोग बताओगे मुझसे कि हाँ मैम आपने पढ़ाया था तो हमें सारी चीज़ समझ आ रही थी, मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ बताई। अब मैं ये कल बताऊंगी आप लोगों को, अभी सर की क्लास लीजिए आप, कल मैं आपको स्पेशली राइटिंग स्किल्स जितना पॉसिबल हो पाएगा, कल सर की क्लास नहीं लगेगी, आज सर की 30 की जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएंगी आप लोगों की, तो आप उसको करिए। सर ने ग्रामर का बहुत अच्छा कराया है और आपको लेना चाहिए था, अगर आपने नहीं लिया है तो शायद चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में आए, एंड हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो कल मैं राइटिंग स्किल ले लूंगी और सबसे पहले नोट मेकिंग पूरा अच्छे से कराऊंगी, जल्दीबाजी में नहीं, कैसे कैसे एब्रिवेशंस लगाए जाते हैं इन सबको हम पढ़ते हुए चलेंगे, जैसे सी फॉर सर का वगैरह ये हम यूज करते हैं ना, तो ये सब चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर और ये हम कल यहाँ पर फिनिश करेंगे। ओके, आपने शुरू से पढ़ा होगा। YouTube पर नहीं है ये, मेरे कोर्स के अंदर है, ठीक है, YouTube पर नहीं है, मेरे कोर्सेज के अंदर है। राइटिंग स्किल बहुत सारी हैं और मैंने कराई हैं सारी की सारी और बहुत अच्छे से कराए हैं। ठीक है भाई, मैं आज के लिए ऑफ करती हूँ, फिर सर की क्लास लीजिए आप, ठीक है। हाँ मेरे कोर्स के अंदर है ये सारी चीज़ें। अब कोर्स तो कल कल के लिए बचा है, फिनिश हो जाएगा फिर, मतलब मेरा हो चुका है सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अभी ऑफ कर दें हम क्लास को, फिर होप सो कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। हम पीजीटी में भी सर को लाइव लीजिएगा। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। आर यू नॉट वेल मैम? हाँ भाई देखो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, एट द एंड तक तो हम पहुंच गए, मैं खड़ी तो हूँ सामने, कल तक दवाई लेके और खड़ी हो जाऊंगी सामने, ठीक है। कल मैं आपको जो आपको कमी हो रही होगी ना जो यूट्यूब वालों को है वो राइटिंग स्किल में ही आ रही होगी दिक्कत, क्योंकि आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे चीज़ों का। बहुत कुछ है राइटिंग स्किल में, बहुत कुछ आ सकता है, तो अगर पेपर टफ रहा तो, और एलडीसी की तरह रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फेथफुली वगैरह ये सब आप जानते हो, योर्स वगैरह कहाँ है, अपोस्ट्रॉफी लगनी है या नहीं, वो तो आप चुटकियों में कर जाओगे, पर अगर जिस लेवल का मैंने पढ़ाया है अगर इस लेवल का पेपर आया तो फिर उन बच्चों को आसानी होगी जिन्होंने पूरे पढ़े हुए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ाया है उनको दिक्कत आएगी। चलिए ओके ठीक है, चलिए भाई गुड बाय एंड टेक केयर। ओके अपना ख्याल रखिए, देखिए मेरा तो काम चल जाएगा, अपना ध्यान रखिए। हाँ।